रात से मेरा भाई लेस्टर दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है माइकल की लोकेशन यहाँ पर निकालने के चक्कर में, बट फिलहाल गाइज अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। और जो कल हमें कोड्स वगैरह मिले थे जो लोकेशन में होने वाली है, ट्रेवर ने और यहाँ पर लेस्टर ने मिलकर सारी की सारी लोकेशंस वगैरह दोस्तों निकाल ली हैं। और अभी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर थोड़ा सा अकाउंटिंग वगैरह का यहाँ पर दो काम कर रहा है, ठीक है, ताकि हमारी लोकेशन इंडियन माफिया की गैंग को ना पता चल पाए, ठीक है ना। अभी आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे हम किस लोकेशन पर हैं, ठीक है। तो कल रात को हम इस लोकेशन पर आ गए थे, ठीक है ना। ये ट्रेवर के दोस्त का एक घर है और पहले से ये बहुत ज़्यादा पुराना है और यहाँ पर इसका दोस्त जो है रहने भी नहीं आता है, तो बहुत दिनों से बंद पड़ा था। तो रात हमने इस घर को खोला, सुबह उठने के बाद थोड़ी सी हमने यहाँ पर साफ़ सफाई दोस्तों कर ली है कि रहने लायक, ठीक है ना। और मुझसे यहाँ पर बहुत सारा भाई ये भी बोलेंगे कि आरिश भाई आप अपने साथ जिमी को भी रख लो यार, देखो जिमी छोटा बच्चा है और हमारे साथ रहने में देखो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, तो इसलिए मैं जिमी को अपने साथ यहाँ पर जो है नहीं रखना चाहता, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं आपको एक बार इसका यहाँ का जो होम टूर दे देता हूँ। तो कुछ इस टाइप का है, हमने यहाँ पर ना यहाँ पर वो भी नहीं थे दोस्तों, खिड़कियाँ वगैरह लगी हुई थी तो कुछ गत्ते वगैरह यहाँ पर पड़े थे, हमने ना इसके विंडो के ऊपर दोस्तों ये लगा दिया और यहाँ पर भी गाइस ये लगा दिया, ठीक है ना। फिलहाल लेस्टर तो अपना काम वगैरह पे दोस्तों बहुत ख़तरनाक तरीके से यार यहाँ पर जो है लगा हुआ है। चल मेरे भाई लेस्टर तो लगा रहे, ठीक है ना। और अभी दोस्तों हमें यहाँ से जो निकलना है और ट्रेवर बाहर है, ट्रेवर यहाँ पर अपने दोस्त की एक बाइक उसकी यहाँ पर खड़ी थी बहुत ज़्यादा पुरानी, तो उसकी यहाँ पर कुछ इंजन वगैरह के अंदर प्रॉब्लम वगैरह थी, तो सुबह से ट्रेवर इस बाइक के अंदर ही गाइस यहाँ पर जो है लगा हुआ है। मुझे लगता है भाई आज के यार ट्रेवर इस बाइक को जो है यहाँ पर फिक्स कर ही देगा, लगता तो ऐसे ही दोस्तों के कर दे, अच्छी बात है। और ये इसके फ्रेंड की बाइक बहुत टाइम से यहाँ पर इस घर के अंदर ही खड़ी थी, इसका दोस्त ना इस बाइक को यहाँ पर चलाता वगैरह भी नहीं था, ठीक है ना। तो उसने कहा कोई बात नहीं ट्रैवर, अगर तुझे यहाँ पर चलानी है तू चला लेना मेरे भाई इस गाड़ी को। तो ट्रैवर ने कहा ठीक है भाई मैं चला लूँगा ठीक करके। तो सुबह से लगा हुआ है, मुझे तो लगता भाई ये गाड़ी यहाँ पर ठीक होगी। और जो उस कल बंदे ने अपनी गाड़ी दी थी, बाकी उसने सुबह ड्राइवर बुलवा कर अपनी गाड़ी मंगवा ली थी, हमने बोल दिया भाई हम इस लोकेशन पर है जाओ ले जाओ। तो आप लोकेशन देख लो फिलहाल हम कहाँ पर रुके हुए हैं और किस किस लोगों को यहाँ पर लोकेशन पता है, एक बार कॉमेंट करके जरूर से बताना। जिमी से ना तो मैं भी कोई फ़ोन पर बात कर रहा हूँ ना ही और किसी चीज़ से बात कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं पर सोच रहा हूँ एक बार मैं जाकर जो है एक बार जिमी को मिल भी लूँगा कि जिमी ठीक भी है वहाँ पर या फिर नहीं है, क्योंकि मैं 3 या 4 दिनों से जिमी से एक बार भी दोस्तों यहाँ पर जो है मिला नहीं हूँ, ठीक है ना। चलिए अब ज़रा मैं एक बार लेस्टर के पास चलता हूँ, ज़रा लेस्टर से दोस्तों यहाँ पर जो है पूछता हूँ कि उन बंदों की जो लोकेशंस वगैरह उसका यहाँ पर कुछ पता चला या फिर नहीं चला। चलिए दोस्तों ऑलराइट दोस्तों यार यहाँ पर लेस्टर का यही कहना है कि फिलहाल माइकल का तो यहाँ पर कोई भी पता नहीं चल पाया है, बट उन बंदों की जो डीलिंग वगैरह वो यहाँ पर करते हैं, आपको पता है दोस्तों सबसे ज़्यादा वीड का बिजनेस होता है। और भाई साहब डेव भी उनके साथ यहाँ पर मिला होता, बट डेव को हम मार चुके हैं, उसकी भाई कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन माफिया को पता चल गया है कि हम उसके पीछे पड़ चुके हैं भाई, और वो भी हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है, बस हमें उसके यहाँ पर सारे के सारे धंधे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है चौपट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर लेस्टर का ये कहना है कि मैं एक लिस्ट निकाल रहा हूँ लॉस सैंटोस के टॉप डीलर्स की जो यहाँ पर वीड के अंदर डीलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है ना। और वो कहीं ना कहीं इंडियन माफिया के कनेक्शन में ही होंगे, हमें उनसे यहाँ पर कुछ ना कुछ दोस्तों पता चल ही सकता है, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी लेस्टर एक लिस्ट तैयार कर रहा है, इतने में यहाँ पर जो है बाइक देखता हूँ अगर इसने ठीक कर दिया है, तो एक बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाकर ट्रेवर के साथ एक बार जिमी को दोस्तों देख आता हूँ, ठीक है ना। ट्रेवर एक काम करते हैं, अगर बाइक ठीक हो जाती है ना ब्रो हम एक बार जिमी को देखाते हैं, अगर जिमी ठीक हुआ तो, ठीक है ना, एक बार चलते हैं और उसके पास बता तू क्या बोलता है। ऑलराइट दोस्तों बाइक यहाँ पर जो है फिक्स हो चुकी है और ट्रेवर यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई मैं बाइक चलाऊंगा, मैं तेरे हाथ में बिल्कुल भी देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई तू कितने ज़्यादा गंदे तरीके से बाइक चलाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई तू चला ले, मैं तो तेरे पीछे बैठ जाऊँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं यार, है तो अपना दोस्त ही ना। हेलमेट लगा लेते हैं दोस्तों सबसे पहले, ताकि कोई हमें पहचान वगैरह भी ना पाए। और लेस्टर को बोल दिया कि लेस्टर भाई हम आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। एक मुर्गी बाहर चली गई, ये मुर्गी बाहर कैसे गई? ओ भाई साहब मुर्गी भाग गई एक दोस्तों, चलो यार क्या ही कर सकते हैं, मुर्गी भाग गई तो मुर्गी थोड़ी ना पकड़ेंगे अभी यहाँ पर। फिलहाल मैंने ट्रेवर को बता दिया है कि हम किस लोकेशन पर जा रहे हैं, मैंने जिमी को यहाँ पर कहाँ पर छोड़ा था। मेरे दिमाग में ना एक बात यहाँ पर दोस्तों और आ रही है, ठीक है ना, जहाँ पर जिमी को मैंने छोड़ा था ना वहाँ पर वो बंदा भी वीड का काम करता है, और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में शक भी हो रहा है कि जिमी की जान को वहाँ पर कोई ख़तरा ना हुआ हो,
ठीक है ना, क्योंकि वो बंदा भी वीड का काम करता है, कहीं वो इंडियन माफिया से जुड़ा हुआ ना हो, या फिर जिमी ने इंडियन माफिया के बारे में उस बंदे को यहाँ पर कुछ बताना दिया हो। खैर मुझे नहीं लगता कि मैंने जिमी के सामने कुछ इंडियन माफिया की ऐसी बात की थी, बट कोई बात नहीं यार, मैं जिमी को फिर भी यहाँ पर समझा दूंगा। जो भी यहाँ पर चल रहा है ना, मैं जिमी को इस बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूँ, वरना वो खामखा टेंशन ले लेगा। और जिमी के भाई पेट में यहाँ पर कोई बात रुकती भी नहीं है भाई, वो पक्का उस बंदे को या फिर और भी अगर कोई वहाँ पर उसे मिले ना, उसे बता बता देगा। भाई लेस्टर, सॉरी यार ट्रेवर भाई, थोड़ा आराम से चलाओ यार, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी तो नताशा जी से मुझे शादी भी करनी है, थोड़ा आराम से चला ले मेरे भाई। तो मैं जिमी को इस बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई वो पेट उसका पहले ही कच्चा है, वो बता बता देगा, और फिर बताने के बाद दोस्तों यहाँ पर लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ गए आप सभी लोग। इसीलिए बेफजूल में हमें कोई भी पागलपंती यहाँ पर नहीं करनी है, बिल्कुल चोरी छुपे हमें सारा का सारा काम करना है। दोस्तों इसके फ्रेंड की तो बड़ी मस्त मोटरसाइकिल है यार ये, और हमारा तो फ़ायदा हो गया यार इस बाइक को लेने के बाद, क्या बात है, मज़ा आ गया। बट ये गाइस बाइक ऐसी है, कहीं पर भी बंद हो सकती है, कुछ इस टाइप की मोटरसाइकिल है। खैर कोई बात नहीं यार, इतना तो खैर यहाँ पर चलता ही रहता है। तो फाइनली दोस्तों यार हम जो है जिमी के पास पहुँच गए हैं, और राइट, और ट्रैवर को भाई यहाँ के सारे रास्तों का पता है। ओ भाई साहब लैपर्ड वगैरह भी है यहाँ पर, तो क्या बात है। ऑफ रोडिंग में देखो यार ये बाइक कितने अमेजिंग तरीके से यहाँ पर जो चल रही है। चलिए फाइनली हम पहुँच गए इस लोकेशन पर, और जहाँ तक मुझे लगता है ट्रैवर ने भी यही बोला है कि बंदा भी वीड का काम करता ही है, तो उसके सामने इंडियन माफिया के बारे में कोई भी बात वगैरह मत करना, सिर्फ हम ये पूछेंगे कि भाई तुम किन को डीलिंग करते हो। ये कौन है, आ जा जिमी, जिमी 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 कहाँ पर है जिमी? तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों जिमी से मैं मिल गया, और ठीक ठाक रह रहा है, कुछ ऐसी यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यहाँ पर कोई आता भी नहीं है। और भाई जिमी को यहाँ पर इंडियन माफिया के बारे में मैंने यहाँ पर कुछ बताया भी नहीं था, तो इसे कुछ नहीं पता, इसीलिए मैंने बताया भी नहीं, बस मैंने बोलते तेरे पापा को हम जो है ढूंढ रहे हैं। तो हमने इस बंदे से बात की है, और यहाँ पर ये भी वीड का बिजनेस करता है, आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ना, इसने वीड के बहुत सारे पेड़ वगैरह दोस्तों यहाँ पर जो है उगा रखे हैं। ये देखिए आप सभी लोग, कितने सारे पेड़ हैं जो कि दोस्तों इसने यहाँ पर उगा रखे हैं, बहुत सारे पेड़ वगैरह इसने उगा रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। बट हमने इससे बात की है कि भाई तुम यहाँ पर इनको सेल वगैरह कहाँ पर करते हो ये वो, तो उसने सीधा ये बोला है या तो लॉस सैंटोस में कुछ डीलर्स हैं जिनको ये सेल करता है, ठीक है ना, या फिर पैलिटो बे से कुछ नॉर्मल सिटीजन्स वगैरह आते हैं, या फिर सैंडी शोर्स में जो लोकल्स वगैरह होते हैं ना वो परचेज़ कर लेते हैं इससे। तो इसकी बातों से तो खैर ये लगता है दोस्तों इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर ये जो उगा नहीं रहा है, बहुत कमी है दोस्तों, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है ना, तो हम इसके ऊपर कोई शक नहीं कर सकते। और इसको भाई इंडियन माफिया के बारे में, इस बंदे को जो वीड वगैरह उगा रहा है, कुछ नहीं पता है, ठीक है ना, तो बेफजूल में इसके ऊपर शक करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जिमी यहाँ पर सेफ़ है, और ये कोई इतना बड़ा बिजनेस यहाँ पर जो है नहीं कर रहा है। तो बस हम जिमी से दोस्तों यहाँ पर मिलने आए थे, थोड़ी सी चलिए जिमी से बातचीत करते हैं, और फिर जल्दी से हम इस लोकेशन से जो है निकलते हैं। रखना अपना, ठीक है, और हम जल्दी तेरे से यहाँ पर मिलने आते रहेंगे, और जैसे ही कुछ खबर पता चलेगी हम बता देंगे। देखो दोस्तों कैसे बाय कर रहा है जिमी, चल ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं बाद में, ठीक है मेरे भाई, ओके। तो दोस्तों जिमी से मिल लिए, जिमी यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, कुछ भी ऐसी बात वगैरह नहीं है, कोई घबराने की दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, जिमी यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, ठीक है ना दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि भाई यहाँ पर कुछ इसके पीछे पीछे लोग पड़े हैं, कुछ नहीं पड़ा। वैसे भी इंडियन माफिया को जिमी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ हम तीनों के पीछे पड़ा है, माइकल ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन, ठीक है, और किसी के पीछे वो यहाँ पर दोस्तों नहीं पड़ा है। प्लस यहाँ पर अभी हमें जो है लेस्टर का कॉल आया, लेस्टर को कुछ पता चला है, तो अभी हम दोस्तों जा रहे हैं दोस्तों सीधा और यहाँ से लेस्टर के पास, और देखते हैं यार दोस्तों यहाँ पर लेस्टर को पता क्या चला है, क्या बात है क्या बात नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पर चलते हैं। और आज इन लोकेशन पर जाकर ना इंडियन माफिया के जो बंदे हैं ना दोस्तों, इनकी खतरनाक वाली खटिया खड़ी करने वाला हूँ मैं, ऐसे भाई साहब इन लोगों को मैं यहाँ पर जो दोस्तों नहीं छोड़ूंगा, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदे हैं यार, बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदे हैं। चलिए गाइस हम यहाँ पर जो है जल्दी से चलते हैं लेस्टर के पास, और देखते हैं यार दोस्तों वहाँ पर जाकर हुआ क्या है। चलिए, अरे हाँ हाँ ट्रैवर मेरे भाई, आराम से चलाऊंगा यार। तो दोस्तों यार यहाँ पर लेस्टर के कॉल पे कॉल आ रहे हैं हमें कि फटाफट आ जाओ जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है, तो हम दोस्तों यहाँ पर लेस्टर के पास जा रहे हैं। प्लस यार यहाँ पर ना अभी ये सुसु करने उतरा, तो मैंने कहा भाई यार मुझे बाइक चलाने दे एक बार दोस्तों, मैं चलाने का मन कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके इसने मुझे बाइक दिया, वरना दे नहीं रहा था यार बाइक, पता नहीं कैसा बंदा है यार ये। चलो यार दोस्तों चलते हैं, देखते हैं लेस्टर को ऐसी कौन सी बात पता चली है यार, जो कि इतना अर्जेंटली वो फ़ोन कर रहा है कि जल्दी आ जाओ तुम।
चलिए दोस्तों चलते हैं, अभी देखते हैं। लगता है इंडियन माफिया का यहाँ पर गाइस पता चल गया भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। चलो एक सेकंड। गाइस क्या मुझे ही दिख रहा है या आपको भी दिख रहा है? रुक जा ड्राइवर। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, रुक जाओ। अच्छा आराम से, दोस्तों यार एक चीज वो देखो, शायद से तुम्हें दिख रही होगी, रुक जाओ। ओह माय गॉड गाइज, ये सारे के सारे इंडियन माफिया के बंदे हैं। और दोस्तों ये गंजे वाले वही वाले बंदे हैं दोस्तों, भाई साहब ये तो दोस्तों यार वो बंदे जो कि हमने सबमरीन के ऊपर यहाँ पर मारे थे। पर यार इतने सारे बंदे, आप गाड़ियाँ देख पा रहे हो भाई, उस घर के आगे कितनी खड़ी हैं। मुझे ऐसा लगता है यार इनको हमारी लोकेशन का गाइज यार यहाँ पर पता चल गया, और इन्होंने लेस्टर को दोबारा से बंदी बना लिया, और ये ना लेस्टर को हमें बुलाने के लिए कॉल करवा रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है भाई, लेस्टर इसीलिए हमें कॉल कर रहा है, और लेस्टर खुद नहीं कर रहा होगा भाई, ये करवा रहे होंगे कि तू कर और उनको बताना मत भाई साहब। बट यार मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, इन लोगों को हमारी इस लोकेशन के बारे में पता कैसे चला? शिट यार ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा गलत हो गया। अभी पहले थोड़ी और आगे तक चलते हैं, पहले एक बार ना मैं ये मुआयना कर लेता हूँ कि बंदे हैं कितने। ऑलराइट गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे बंदे हैं यार ये। देखो मैं लोकेशन से आपको दिखाता हूँ, वो देखो भाई साहब बाहर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये चेक करो आप। ओ माय गॉड, शायद से लेस्टर भी दिख रहा है दोस्तों मेरे को। वो देखो उस पेड़ के पीछे को दोस्तों, लेस्टर भी है, उसको बंदी बना के बिठा रखा है। देखो शायद से आपको दिख रहा होगा, इतना सा दिख रहा है दोस्तों लेस्टर, बिल्कुल इतना सा दिख रहा है यार। मुझे ऐसा लग रहा है ड्राइवर कुछ ना कुछ हुआ है जिस वजह से इनको पता चला है हमारी लोकेशन का। अब भाई करना तो कुछ नहीं, अब अपना दोस्त तो है, देखो भाई भूत तो बनाना पड़ेगा इनका। आ जा फिर, देखी जाएगी अब जो होगा, इन्होंने डॉन से पंगा ले लिया है, देखी जाएगी अब दोस्तों यहाँ पर जो भी होगा। बट हम लेस्टर को नहीं मरने दे सकते, यहाँ पर इनके चंगुल में आके दोबारा से लेस्टर को दोस्तों किडनैप नहीं करवा सकते। देखी जाएगी अब तो जो भी होगा। बहुत ज़्यादा बंदे हैं। रुक जाओ, अरे यार ये मास्क भी नहीं, मेरे को तो एकदम चलानी पड़ेगी। रुक जाओ दोस्तों, यो मुन्ना कर देंगे ताका तुन्ना, क्या समझ रखा है तुमने, तुम्हारे पप्पा जी हैं। ओके ये गाड़ी गई, मुझे तो पता ही था ये वाली गाड़ी जाएगी। गए और भी हैं क्या, हमारी ऐसी की तैसी होए, चल तेरी ऐसी की तैसी। तेरी यहाँ पर भी दोस्तों छुपे हुए हैं, तेरी और भी हैं दोस्तों। ओह माय गॉड, और भी हैं क्या, इस गाड़ी को छोड़ो, और भी है क्या, हट तुम्हारी ऐसी की तैसी। और भी है दोस्तों, बहुत सारे बंदे हैं यार,
और भी लग रहे हैं मेरे को यार, और भी हैं। किधर है किधर है? आवाज़, गोली मार रहा है कोई, दिख नहीं रहा। पर हट तेरी ऐसी की तैसी। ऑलराइट, एक तो ये आ जाता है फायर विरोड तुम्हारी ऐसी रहेगी। चलो यहाँ से निकलो, आए बड़े आग बुझाने वाले। हाय, कितने सारे बंदे थे यार दोस्तों। सबसे पहले मैं लेस्टर को देखना पड़ेगा, लेस्टर कहाँ पर है? लेस्टर, ओ माय गॉड, लेस्टर का लैपटॉप और वो तो बिल्कुल झुका तू रखा हुआ है। ट्रेवर, लेस्टर कहाँ है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया यार? यार ये तो हमने यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ ही दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। भाई साहब, लेस्टर को तो बहुत बुरी तरीके से यार यहाँ पर जो है गोली लगी है। वैसे लेस्टर की सांसें तो चल रही हैं मेरे ख्याल से, लेस्टर को सिर्फ एक ही गोली लगी है दोस्तों। और ये बंदों की हालत देखो यार, यहाँ पर कितने ज़्यादा बंदे थे दोस्तों। अभी ट्रैवर, यहाँ पर हमें सबसे पहले करना क्या होगा मेरे भाई? सबसे पहले हमें लेस्टर को लेकर ना यहाँ पर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ठीक है? चल जल्दी से हम लेस्टर को लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, उसके बाद करेंगे मेरे भाई यहाँ पर हमें जो भी करना है, ठीक है ना? चल जल्दी से। जैसे ट्रैवर मेरे भाई कहते हो तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहा है। तो दोस्तों हमने लेस्टर को जो है गाड़ी के अंदर डाल लिया है, बट ट्रैवर यहाँ पर ये कह रहा है अगर हम इसको यहाँ पर पब्लिक हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पर पुलिस एकदम आ जाएगी यार हमें पकड़ने के लिए, एक मिनट में आ जाएगी दोस्तों। और आपको पता सारी की सारी लॉस सैंटोस की पुलिस ना दोस्तों यहां पर इंडियन माफिया की जेब के अंदर है, और वो हमें एक मिनट में पकड़ के ले जाएगी। और लेस्टर भी दोस्तों यहां पर बच नहीं पाएगा शायद से, हॉस्पिटल वाले लेस्टर को यहां पर मौत का इंजेक्शन लगा दें, ठीक है ना? तो अभी फिलहाल लेस्टर ने यहां पर बोला है, सॉरी यहां पर ट्रेवर ने दोस्तों यहां पर यह बोला है कि हम इसकी फ्रेंड जो है ना, वो जो जिसको जो इसकी क्रश है उसको कॉल करता है, वो यहां पर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगी, ठीक है ना दोस्तों? तो हम रस्ते में उसको यहां पर कॉल करने वाले हैं, उसको मिलने बुलाते हैं, फिर देखते हैं दोस्तों यहां पर होता क्या है, ठीक है? और हमने लेस्टर को दोस्तों जो है आगे रख दिया है, यहाँ पर आप देखो आगे बैठा दिया है, ये है लेस्टर। ओ भाई साहब, लेस्टर की तो पीछे भी गोली लगी है भाई, कमर में भी गोली लगी है। और भाई यहाँ पर जो लेस्टर का जो लैपटॉप है ना उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। लेस्टर तो सब कुछ क्लाउड पे सेव करता है, तो इससे पहले कि यहाँ कोई आए मैं इसके लैपटॉप को ही ब्लास्ट कर दूंगा। चलिए इसका दोस्तों लेस्टर का जो लैपटॉप है ना ब्लास्ट कर दिया। अब अगर यहाँ पर कोई आता भी है ना इंडियन माफिया की गैंग के अंदर से या कुछ भी, उसको कोई इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में नहीं मिलने वाली है। बैठ जल्दी से भाई, इसका तो गाड़ी का तो दरवाज़ा भी नहीं है यार। हमारा दोस्त लेस्टर देखो, ओ भाई कौन बोलेगा दोस्तों, यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया, देख रहे हो? ओ माय गॉड। और बेचारा लेस्टर दोस्तों यहाँ पर देखो कैसे लेटा हुआ है, इसकी टांगे देखो यार यहाँ पर कैसी हो रखी है, ठीक है ना? चलो जल्दी से हम लेस्टर को लेकर चलते हैं, इस वाले रास्ते से ही चलते हैं, शायद से दोस्तों यहाँ पर कुछ हो, ठीक है ना? और अब ना सबसे पहले मैं ड्राइवर को बोल रहा हूँ, ड्राइवर मेरे भाई सबसे पहले ना तो इसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, वो जो इसकी क्रश है भाई, उसको कॉल लगा, और कॉल लगा कर ना उसको मिलने बुला दोस्तों, वही यहाँ पर कुछ कर पाएगी कोई सीक्रेट तरीके से। अगर गाइस इसका यहाँ पर इलाज हो पाए तो भाई बहुत अच्छी बात है दोस्तों, वरना तो भाई यहाँ पर जो पुलिस है वो हमें एक मिनट के अंदर पकड़ लेगी अगर हम किसी भी हॉस्पिटल के अंदर फिलहाल अभी दोस्तों अगर जाते हैं तो, ठीक है ना? तो हम इसकी फ्रेंड को कॉल करने वाले हैं, वही हमारी यहाँ पर कुछ ना कुछ मदद करेगी दोस्तों। यहाँ पर लेस्टर की बॉडी में से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका है, जिसकी वजह से भाई लेस्टर की हालत बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंभीर हो चुकी है, ठीक है ना? और लेस्टर होश में नहीं आ रहा है, ठीक है ना? और इसकी जो फ्रेंड है उसने हमें इस लोकेशन पर बोला है कि तुम इस लोकेशन पर मिलो, और वो जल्दी ही बस यहाँ पर आती होगी। यहाँ पर ट्रैवर और मैं तो दोस्तों यहाँ पर उसका जो इंतज़ार ही कर रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर तक भाई कोई नहीं आता है, सामने जो है प्रिजन है, आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए। और इसकी जो वही फ्रेंड है वो हमसे यहीं पर मिलने आने वाली है, उसने कहा कि तुम वहाँ पर जाकर मेरा इंतज़ार करना, मैं वहीं पर आ रही हूँ। कोई बात नहीं यार दोस्तों, बस एक बार यार ऊपर वाले से दुआ करो भाई, हमारा जो लेस्टर भाई है ना दोस्तों बस वो ठीक हो जाए यार। अगर लेस्टर को दोस्तों यहाँ पर कुछ हो जाता है ना भाई, तो कसम से बता रहा हूँ यार हमारी दुनिया उजड़ जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। लेस्टर हमारी जान है यार, लेस्टर हमारी जान है भाई साहब।
बस यार मैं क्या बोलूँ यार, बेचारा मेरा भाई लेस्टर यार एकदम यहाँ पर ठीक हो जाए बस। और मेरे को दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा दोस्त लेस्टर ठीक होना चाहिए। कोई बात नहीं यार, अभी तो हम इसकी जो फ्रेंड आ रही है उसका इंतज़ार करते हैं, देखते हैं दोस्तों वो यहाँ पर कोई हमारे लिए रास्ता वगैरह निकालती भी है या फिर नहीं। अरे हाँ यार, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, बट घबराने की कोई भी यहाँ पर बात नहीं है, ये हो जाएगा ठीक, बस ऊपर वाले से दुआ करती रहो ठीक है ना। चलो आ जाओ फिर चलते हैं। तो दोस्तों इसकी गाड़ी यहाँ पर है, ये अपनी गाड़ी यहीं पर छोड़कर जा रही है, कह रही है मैं सिर्फ तुम्हारे यहाँ पर साथ चलूँगी। इसका एक फ्रेंड है दोस्तों जो कि यहाँ पर एक, आपको पता होगा एक लैब है जहाँ पर ये बंदरों के ऊपर और कुछ इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जाते हैं। वहाँ पर ना एक साइंटिस्ट है जो कि डॉक्टर भी है बंदरों का, और इसका ना इलाज कर सकता है, वो इंसानों का भी डॉक्टर है। तो उसने कहा फिलहाल हम वहाँ पर चलते हैं, वो हमारी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करेगा। और ये अपनी गाड़ी इसलिए यहाँ पर छोड़कर जा रही है क्योंकि हमारी कोई भी पहचान ना कर पाए, क्योंकि हर जगह दोस्तों पूरे के पूरे लॉस एंजेलोस में ना सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए और भाई पुलिस हमेशा तैनात रहती है उनके ऊपर। तो भाई ये तो भाई इंडियन माफिया की गाड़ी है, इंडियन माफिया की गैंग की गाड़ी है, तो इसको कौन ही कुछ बोलेगा ठीक है ना। बट अगर हम उसकी गाड़ी में जाते इस लड़की की, और अगर वो गाड़ी दोस्तों यहाँ पर देख लेती नंबर प्लेट डालते, एकदम हमारा दोस्तों यहाँ पर पता चल जाता ठीक है ना। तो थोड़ा सा भाई दिमाग से काम लेना पड़ेगा भाई, वरना तो बस लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी जरा हम दोस्तों यहाँ पर लैब के अंदर जाते हैं और देखते हैं हमारा भाई प्यारा लेस्टर दोस्तों बस यहाँ पर ठीक हो जाए। और हमें यार दोस्तों किसी से कुछ भी नहीं चाहिए यार, समझ रहे हो तुम, और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारा दोस्तों लेस्टर दोस्त ठीक होना चाहिए। चलिए चलते हैं यार अभी जल्दी से, सबसे पहले तो हम इस लोकेशन से निकलते हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लोकेशन है दोस्तों, बिल्कुल भूल भुलैया टाइप है। पहले आपको याद होगा जिमी और मैं गाइज यहीं पर रुके थे ठीक है ना, और वो जो लैब है वो इस पहाड़ के पीछे है, पहाड़ के पीछे उस लैब का रास्ता, तो हमें यहीं से होते हुए जाना पड़ेगा आराम से। और बेचारी वो लड़की ना दोस्तों यहाँ पर आगे बैठ गई है, देख लो इसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा ना दोस्तों लेस्टर से प्यार है ठीक है ना। लेस्टर के लिए बेचारी ने इतना कुछ किया भाई, लेस्टर के लिए इसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात की, और जब मैंने बोला ना इससे ये बॉयफ्रेंड वगैरह, उसने कहा कुछ नहीं, जस्ट इसने कैजुअली बात की थी और फिर ये घर पर आ गई थी ठीक है ना दोस्तों। तो लेस्टर से ही प्यार करती है, मुझे तो भाई ऐसा ही यहाँ पर जो है लगता है। तो भाई लेस्टर की भी अपनी भाई लव स्टोरी यहाँ पर दोस्तों चल जाए तो भाई मज़ा आ जाए ठीक है ना। मैं उसको बोलूँगा भाई लेस्टर भी तुम्हें लाइक करता है ठीक है ना, बट एक बार पहले बेचारा हमारा दोस्त लेस्टर दोस्तों ठीक तो हो जाए। चलो मैं सोच रहा हूँ इधर से ही निकाल लूँ यार गाड़ी को, क्या रोड से लेकर चलूँ, इधर से ही निकाल लेता हूँ, यहाँ पर कोई दोस्तों देख भी नहीं पाएगा क्योंकि यार शेरिफ वगैरह खड़े होता है ना गाड़ी के अंदर, तो ये वाली गाड़ी देख के ना एक मिनट में पीछे पीछे पड़ सकता है। तो मैंने सोचा बस इधर से निकाल लेता हूँ, कोई देखेगा भी नहीं, वहाँ पुल के नीचे खड़े रहते हैं। चलो दोस्तों अब हम यहाँ से निकल गए, अब सीधा चलते हैं गाइस लैब वाले रास्ते पर। लैब वाला रास्ता देखो ये है, अगर हम उधर से जाएं तो हमें पूरा वो रोड क्रॉस करना पड़ेगा, बट हम यहाँ से ही निकल जाएंगे। चल 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 मेरी धन्नो, बढ़िया। ये जो भाई इंडियन माफिया के गैंग के अंदर ये जो कार्स है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा मोस्ट पावरफुल कार्स हैं भाई साहब, इतनी जल्दी इसे इन गाड़ियों को यहाँ पर दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, बहुत हैवी वेपन्स वाली कार हैं और हैवी आर्मर वाली भी। चल चल, बट ये गाड़ी तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो गई, इसका तो दरवाज़ा वरवाज़ा बिल्कुल टूट वूट गया है, हम क्या ही कर सकते हैं। चलो फाइनली यार हम इस लोकेशन पर पहुँच गए, ह्यूमन लैब है, ह्यूमन लैब। यहाँ पर कैमराज वगैरह लगे हुए हैं क्या सिक्योरिटी के लिए? कुछ नहीं है फिलहाल, अभी कोई है भी नहीं ह्यूमन लैब में, ह्यूमन लैब रिसर्च सेंटर। चलिए मैं अपनी गाड़ी को ना इधर ही लगा देता हूँ दोस्तों फाइनली। चलिए और लेस्टर को जल्दी से निकालता हूँ, और लेस्टर को निकालने के बाद दोस्तों हम जो है अंदर लेकर चलते हैं, देखते हैं दोस्तों हमारा प्यारा लेस्टर भाई जो जल्दी से यहाँ पर ठीक हो पाएगा या फिर नहीं। या वैसे दोस्तों ऊपर वाले से दुआ करो बस, हमारा जो प्यारा लेस्टर भाई है ना दोस्तों वो एकदम यहाँ पर भला चंगा हो जाए भाई, और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए। चलो आ जाओ जल्दी से उसको दोस्तों अंदर तो यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर ना बंदरों का इलाज किया जाता है, बंदरों के ऊपर रिसर्च वगैरह की जाती है, और भी बहुत सारे जानवरों के ऊपर रिसर्च वगैरह इस टाइप के काम किए जाते हैं, यहाँ पर इंसानों का इलाज नहीं होता है डॉक्टर कह रहे थे कहते, बट इस लड़की की वजह से भाई ये कर देंगे क्योंकि इस लड़की के और इन डॉक्टर के ना बहुत अच्छे रिलेशन है ठीक है ना, बहुत अच्छे मतलब स्कूल टाइम के रिलेशन वगैरह, स्कूल टाइम का फ्रेंड वगैरह बता रही है कुछ इस टाइप का है। यार ट्रेवर कभी नहीं सुधरेगा दोस्तों छोड़ो। तो यार यहाँ पर अपना भाई लेस्टर लेटा हुआ है ठीक है ना,
और लेस्टर के ये डॉक्टर साहब यहाँ पर बता रहे हैं कि लेस्टर के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ज़ख्म वगैरह आए हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो ब्लीडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो चुकी है इनका। ये बोल रहे हैं इमिडिएटली यहाँ पर ना एक ऑपरेशन किया जाएगा जो टांगों के अंदर और यहाँ पर पेट वगैरह के अंदर और पीछे भी इसके और कमर के भी अंदर दोस्तों जहाँ पर टाँके वगैरह आने वाले हैं, और थोड़ा सा ब्लड वगैरह भी दोस्तों इसको यहाँ पर जो दिया जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, इनके पास ब्लड तो सारे अवेलेबल होंगे, बट लेस्टर जो है इनका तो भाई यही कहना है कि ठीक हो जाएगा। बट यार देखो ऊपर वाला से दोस्तों देखो दुआ करो कि हमारा भाई यहाँ पर जो लेस्टर ठीक हो जाए, ठीक है ना, और इस भाई से वो बात कुछ नहीं होने वाली है, ठीक है, बस ये ठीक हो जाए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर दोस्तों कम से कम पूरा एक दिन लगेगा इसके सब कुछ के अंदर, ऑपरेशन वगैरह में दोस्तों हर चीज़ के अंदर, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, हम इतने यहीं पर रुकेंगे, आ जाओ बाहर आ जाओ, डॉक्टर को उनका काम करने दो, अच्छा भाई लेस्टर। तो गाइस फाइनली यार हम यहाँ पर हैं और ये कोल्ड रूम वगैरह भी कुछ इस टाइप का है दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ पर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया है, जी हाँ दोस्तों गेट बंद हो चुका है, ठीक है ना, और वहाँ पर लेस्टर का इलाज वगैरह किया जा रहा है दोस्तों। अब तुम दोनों ना मेरी बात सुनो, देखो सबसे पहले तो तुम अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, बट वैसे शक की बात है, ठीक है, एक काम करो तुम अपनी गाड़ी को वहाँ से उठाओ और उठाने के बाद सीधा घर पर निकलो। अगर यहाँ पर लेस्टर के ऊपर कुछ भी यहाँ पर होता है या कुछ भी अगर इमरजेंसी आती है तो मैं तुम्हें फ़ोन करके यहाँ पर बता दूंगा, यहीं के लोकल फ़ोन से मैं तुम्हें जो है कॉल करूँगा, ठीक है ना। और अगर कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ठीक रहता है, तो हम तीनों फिर तुम्हारे घर पर आ जाएंगे, ठीक है ना, याद रखना। तो मिलते हैं, ठीक है, इतने तुम यहाँ से निकलो। तो दोस्तों यार यहाँ पर मैंने उसको तो दोस्तों यहाँ पर जो है भेज दिया है, ठीक है, और अब लेस्टर को यहाँ पर सिर्फ हम लेस्टर के लिए दोस्तों यहाँ पर दुआ कर सकते हैं कि भाई ऊपर वाला हमारे भाई लेस्टर को दोस्तों यहाँ पर पहले जैसा ठीक कर दे, पहले जैसा अच्छा कर दे, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेवर और मैं दोस्तों यहाँ पर पूरी रात रुकने वाले हैं और पूरा दिन रुकेंगे। अभी दोस्तों हमें यहाँ पर पूरे के पूरे एक दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, डॉक्टर ने ये बोला है कि पूरे एक दिन के बाद लेस्टर को यहाँ पर जो है होश आएगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, खैर इतनी बड़ी कोई या गंभीर बात नहीं है कि लेस्टर के ऊपर दिमागी तौर पर या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड ऐसा कुछ है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पर गोलियाँ लगी हैं, गोली निकलने के बाद और उसके यहाँ पर टाँके वगैरह लगेंगे, खून चढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, और उसके बाद बस लेस्टर यहाँ पर जो है दोस्तों ठीक हो जाएगा। बस भाई ऊपर वाले से यही दुआ है कि हमारे दोस्त को यहाँ पर भाई पहले जैसा ठीक कर दें, ठीक है ना, क्योंकि पहले हम इतनी ज़्यादा मुसीबतें दोस्तों झेल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब अगर हमारे साथ यहाँ पर दोस्तों ऐसा कुछ हो रहा है तो ये ऊपर वाला ठीक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इंडियन माफिया है भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इंडियन माफिया को ये कैसे पता चला हम उस लोकेशन पर थे, ठीक है, मेरी ये समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। अब तो इसका जवाब जब लेस्टर को होश आएगा तभी पता चलेगा कि ऐसा हुआ कैसे था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे हुआ था, और वो लोग वहाँ पर पहुँचे कैसे, ठीक है ना, सब कुछ दोस्तों सबके सब जवाब यहाँ पर जो दोस्तों लेस्टर देने वाला है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, चलिए दोस्तों मिलते हैं एक दिन के बाद, पहले भाई लेस्टर दोस्तों यहाँ पर ठीक तो हो जाए, ठीक है ना मेरे भाई। सबसे पहले तो उस खुदा का शुक्र कर के जिसने यहाँ पर तुझे ठीक किया है, ठीक है ना दोस्तों। तो फाइनली गाइज यहाँ पर जो पूरे के पूरे डेढ़ दिन के बाद, डेढ़ दिन हो चुका है, एक से भी ऊपर ही हो गया, ठीक है, रात हो चुकी है और हमें यहाँ से जो है छुट्टी मिल गई फाइनली। लेस्टर हमारा भाई दोस्तों ठीक हो गया, कमज़ोरी लेस्टर के अंदर बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, दिमागी तौर पर भी और भाई शारीरिक तौर पर भी, खैर दिमागी तौर पर इतनी नहीं आई है बट शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा आ गई है। इसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर दोस्तों यहाँ पर हो गया है, ये लड़ाई वगैरह नहीं कर पाएगा, सिर्फ कंप्यूटर पर काम वगैरह कर सकता है बट इसके बस के फाइट नहीं है, ठीक है। और डॉक्टर ने ये बोला है कि फ़िलहाल अभी इनको आराम करना चाहिए और कुछ भी इस टाइप की एक्टिविटी ना करें। और दूसरी बात ये दोस्तों, लेस्टर से हमने पूछ लिया है, लेस्टर ने यही बोला है जिस बात का मुझे शक था कि लेस्टर जो छोटा सा लैपटॉप यूज़ कर रहा था, लेस्टर बार बार कोशिश कर रहा था अपनी लोकेशन को वहाँ से जंप करने की, बट इसकी लोकेशन जंप नहीं हो पा रही थी। और इतनी ही देर में उनको ये पता चल जाता है कि कोई हमारे अकाउंट्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, कोई हमारी लोकेशन जो लोकेशन के कोड्स वगैरह है ना उनको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, किसी को हमारी लोकेशंस का पता चल रहा है जहाँ पर उनके जितने भी धंधे वगैरह दोस्तों चल रहे हैं उन लोकेशंस का पता चल रहा है, ठीक है ना, वो कोड्स जो हमें मिले थे तो उन सबको दोस्तों पता चल गया था, उनको ये पता चल गया था कहाँ से सबके सब सिग्नल्स वगैरह जो आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों छोटा सा लैपटॉप था उससे यहाँ पर लेस्टर दोस्तों करता भी क्या, ठीक है। और एक मिनट में वो लोग गाइस वहाँ पर आ गए, आते ही उन्होंने लेस्टर की कनपट्टी पर दोस्तों बंदूक रखी,
लेस्टर को समझाया कि अपने दोस्तों को बुला, वो जहाँ पर भी गए हुए हैं, और अगर ज़रा सी भी होशियारी कोशिश करी तो तेरा खोपड़ा अभी उड़ा देंगे, ठीक है। तो भाई लेस्टर ने बेचारे ने दबाव में आकर हमको यहाँ पर कॉल वगैरह किए, ठीक है। वो जैसे ही लोग वहाँ पर आए, और जैसे ही लेस्टर का ये भी कहना है, जैसे ही तुम लोग वहाँ पर आए, तुमने गोली मारनी स्टार्ट करी ना, उन लोगों ने एकदम मेरे यहाँ पर गोली मारी हाथ पर, और दो तीन ने मेरे पीछे गोली मारी, मैं तभी बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता है, बाकी का दोस्तों हमें तो पता है बाकी का सीन। चल कोई बात नहीं लेस्टर, मेरे भाई आ जा तू। अब हम उस लोकेशन पर गाइज यार ये नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लेस्टर अपना भाई अब वहाँ पर अगर दोबारा गया तो भाई पकड़े जाएंगे। और मैंने लेस्टर को बता दिया कि भाई मैंने तेरा यहाँ पर जो लैपटॉप था वो डिस्ट्रॉय कर दिया, तो कह रहा है कि तूने बहुत ठीक किया, वरना वो दोबारा से हमारी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल लेते, क्योंकि अचानक से आए थे और लेस्टर अपने क्लाउड को यहाँ पर लॉग आउट करना भूल गया था। तो अभी यहाँ पर गाड़ी तो किसी की है, चोरी कर लेते हैं, चोरी की जाएगी और क्या ही कर सकते हैं। चलो सबसे पहले ना निकलते हैं दोस्तों, चलो आ जाओ, बैठो दोस्तों जल्दी से गाड़ी के अंदर दोस्तों, बैठते हैं और अब यहाँ से जो है निकलते हैं। बैठ मेरे भाई लेस्टर, देखो दोस्तों लेस्टर से चला भी नहीं जा रहा बेचारा, लेस्टर कैसे दोस्तों यहाँ पर जो है चल रहा है। भाई मुझे इसकी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा मतलब दुख हो रहा है यार, मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है लेस्टर की हालत को देखकर मुझे। चलिए कोई नहीं, सबसे पहले यार हम इस लोकेशन से निकलते हैं यार। कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हमें दोस्तों, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। चलो कोई नहीं, सबसे पहले तो हम यार यहाँ से निकलते हैं। मैंने मारिया को फ़ोन कर दिया, अब आपको ये पूछ रहे होंगे भाई मारिया कौन है। मारिया वही लड़की है, मैं लड़की लड़की कर रहा था, मुझे नाम ही नहीं पता था। लेस्टर ने बोला भाई उसका नाम मारिया है और मैंने इसको बता दिया कि हमें यहाँ पर वो लड़की लेकर आए थे, तो कहने लगे कौन लड़की, मैंने कहा तेरी वो फ्रेंड है, तो उसने कहा वो तेरी दोस्त नहीं है, वो मारिया है भाई, मारिया नाम बोलो उसका, ठीक है। और वो लेकर आई थी, तो बहुत ज़्यादा खुश है फिलहाल लेस्टर। और मैंने लेस्टर को ये बोला कि भाई मैं तो उसको बोल देता कि तो उससे प्यार वगैरह करता है, तो लेस्टर बेचारा शर्म के मारे लाल पीला यहाँ पर जो है होने लग गया था। अभी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम रुके तो रुके कहाँ पर और जाएँ तो जाएँ कहाँ पर, समझ में भी फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा है। चलिए कोई नहीं दोस्तों, अभी तो अपना कुछ ना कुछ तो ठिकाना ढूंढना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर पहाड़ पर चलता हूँ। चलो ओके, तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आज की रात हम यहीं गाड़ी के अंदर इसी लोकेशन पर सो जाते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों सीधा सुबह को मिलेंगे, क्योंकि अभी कुछ करना सेफ़ भी नहीं है और कहीं बाहर जाना सेफ़ भी नहीं, क्योंकि इस टाइम ना पुलिस पूरी की मतलब ख़तरनाक वाली पेट्रोलिंग पर होती है बाहर, और अगर हम गए तो एकदम पकड़े जाएंगे। तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, फिलहाल अभी दोस्तों सो जाते हैं। सोने के बाद सुबह को हम मारिया को कॉल करेंगे, मारिया को मैं लॉस सैंटोस में कहीं मिलने के लिए बुला लूँगा, वहाँ पर जाएंगे, फिर देखते हैं दोस्तों कहीं से कंप्यूटर वगैरह का इंतज़ाम हो पाए तो फिर देखते हैं यार कैसे लोकेशंस वगैरह एक्सेस वगैरह करेंगे। और इनकी तो माफिया गैंग वालों की ना, जो इंडियन गैंग वाले हैं, इनकी ऐसी की तैसी करने वालों में बहुत अच्छे तरीके से। लेस्टर ने ये भी बोला है कि इसने यहाँ पर लिस्ट निकाल ली थी कुछ डीलर्स की, जो कि पक्का 100% यहाँ पर डील करते होंगे इंडियन माफिया के साथ। कोई बात नहीं, सुबह को पता चलेगा दोस्तों यहाँ पर क्या भी होता है। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से सो जाओ दोस्तों, अब आपसे सुबह को मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। ऑलराइट दोस्तों, तो सुबह सुबह का वक्त है, रात को नींद तो भाई अच्छे से आई नहीं, बस ऐसी थी, यहाँ पर आवाज़ें आती रहती है ना भाई हाईवे से। फिलहाल सुबह सुबह का वक्त है, अभी सुबह के दोस्तों ऐसे बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं, और मारिया तो भाई बहुत जल्दी उठ जाती है क्योंकि वो जिम वगैरह भी जाती है। मैंने मारिया को कॉल कर दिया, मारिया ने बोला है लॉस सैंटोस के अंदर एक कैफ़े कॉफ़ी डे है, वहाँ पर तुम आ जाओ, हम उस रेस्टोरेंट में मिलते हैं, वहीं पर ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लेंगे और वहीं पर बातचीत करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो लेस्टर और ट्रेवर को लेकर अब दोस्तों हम जल्दी से उस लोकेशन पर चलते हैं, और दोस्तों बैठे हो जल्दी से गाड़ी के अंदर, मारिया से मिलने चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं दोस्तों क्या सीन होता है, हम उन गुंडों को पकड़ पाएंगे भी या नहीं। सुबह सुबह का वक्त है, सुबह सुबह का वक्त बिल्कुल ठीक वक्त होता है, अब चलते हैं दोस्तों। चलिए आराम से, इस टाइम सूरज भी उधर से निकल ही रहा है। मैं गाड़ी को बहुत प्यार भरे तरीके से यार लेकर जाऊंगा आराम से। चलिए फाइनली हम आ गए दूसरे रास्ते पर, अब चलिए दोस्तों जल्दी से हम चलते हैं लॉस सैंटोस, लॉस सैंटोस जाना पड़ेगा भाई।
मारिया से मिलने के लिए। आई होप कि यार मारिया कुछ यहाँ पर ऐसा जुगाड़ लगा देगी जिससे कि भाई हम यहाँ पर इंडियन माफिया तक पहुँच पाएँ, और अपने माइकल दादा और जिमी की वाइफ भी यार दोस्तों, और जिमी की वाइफ का तो भाई ये बोल नहीं सकते। और भाई यहाँ पर जो है ना जिमी का ससुर, उसका तो भाई यहाँ पर कुछ भी अता पता नहीं है ना। हमारे पास नंबर था, जिमी के पास नंबर था दोस्तों, जिमी का फ़ोन यहाँ पर टूट फूट गया, पता नहीं कहाँ पर गिर भी गया था। जिमी के पास कोई फ़ोन नहीं है तो जिमी को नंबर भी याद नहीं था। अब करें तो करें क्या भाई, देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होता। अभी सबसे पहले चल के मारिया से मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों अब जो भी यहाँ पर कर पाएगी भाई मारिया कर सकती है, हमारे लिए तो फिलहाल वही एक सहारा है। यार सुबह सुबह के वक्त भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ना यार इस वाले रोड पर, पता नहीं यार लोग इतने ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे भाई यहाँ पर। मुझे तो भाई देखो यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता, पता नहीं लोग इतना ज़्यादा वेले क्यों। ऑलराइट दोस्तों, भटकते भटकते पहुँच गए भाई लॉस सैंटोस, और उसने बोला है कि यहाँ पर एक बैंक है, बैंक के जस्ट पीछे वाली साइड में एक रेस्टोरेंट है, मैं वहीं बाहर ही आपका इंतज़ार कर रही हूँ, तो चलते हैं अभी। तो सिग्नल वगैरह तोड़ते हुए भाई हम तो निकल जाते हैं, बट यहाँ पर नहीं तोड़ना है, यहाँ तोड़ दिया ना भाई एक मिनट में पुलिस पीछे पड़ जाएगी, पता चल जाएगा भाई तुम लोग हो कौन और तुम लोग आए कहाँ से हो, सबसे पहले तो ये बताओ। पता चल जाएगा भाई माइकल है और सॉरी यहाँ पर ट्रेवर भी साथ है, फ्रैंकलिन भी है, धर दबोचो, भेजो इनको इंडियन माफिया के पास। कोई भी गलती नहीं करने वाले। हो गया ग्रीन सिग्नल, चलिए। बैंक तो दोस्तों फ्लीका बैंक इधर है। सॉरी, ये रहा दोस्तों फ्लीका बैंक। ओके, फ्लीका बैंक के पास एक तो ये बुक शॉप है, बुक शॉप कहीं को। आपको मारिया की गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही दोस्तों मारिया की। ओके, वो रही पिंक कार, चलो वो खड़ी है मारिया, दिख गई। चलो इस गाड़ी को ना हम इधर ही लगा देते हैं दोस्तों, यहाँ पर इधर को लगा देता हूँ, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, वरना रोड पर तो भाई हर कोई यहाँ पर बोलेगा ही कि भाई गाड़ी क्यों खड़ी कर गए हो तुम अपनी। चलो मारिया वहाँ पर सामने खड़ी है, चलिए दोस्तों चलते हैं। अरे भाई साइड हो जाऊँ ना, सुबह सुबह के वक्त में भी दोस्तों यार यहाँ पर लोग कितने वेले हैं। हेलो मारिया जी, कैसी हो आप? चलो आ जाओ चलते हैं। मेरे हिसाब से बहुत देर से आप यहाँ पर इंतजार कर रही हो ना हमारा। देखो ब्लेस्टर पहले। ओ भाई यार, आपने एक चीज नोटिस की, मतलब जब हम वहां पर चल रहे थे ना तो देखा लेस्टर कैसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था, और अब आपने सड़क पे देखा होगा भाई लेस्टर मारिया को देखने के बाद कितनी ज्यादा तेजी से दोस्तों यहाँ पर दौड़ता है भाई। यार लेस्टर को भाई यहाँ पर दोस्तों कोई नहीं समझ सकता भाई, लेस्टर अपना मनमौजी इंसान है, कसम से मैं यार यहाँ पर आपको बता रहा हूँ लेस्टर मनमौजी इंसान है। चलो यार मारिया अंदर चलते हैं कुछ खाते पीते हैं, जब तक कुछ खाएंगे पिएंगे ना दिमाग यहाँ पर काम नहीं करेगा। आ जाओ। नहीं मारिया, बात तो तुम्हारी ठीक है, वैसे यहाँ का खाना बहुत अच्छा है दोस्तों। फाइनली यार हमने सारा का सारा दोस्तों यहाँ पर खाना वगैरह खा लिया है, और बेचारा फ्रैंकलिन भी यार अभी यार यहाँ पर क्या ही सोच सकते हैं। अभी दोस्तों मारिया ने यहाँ पर ये बोला है कि सबसे पहले हमें लेस्टर के लिए एक यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह की ज़रूरत होने वाली है, तो मारिया ने ये बोला है पास ही में एक गेमिंग पार्लर है, हम वहाँ पर चलते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और वो चाइनीज़ लोगों का गेमिंग पार्लर है, और इस टाइम सुबह सुबह वहाँ पर कोई होता भी नहीं है, मतलब बच्चे वगैरह जो भी आते हैं ना, फिलहाल दोस्तों बच्चों के स्कूल जाने का वक्त है, ज़्यादातर वहाँ पर बच्चे ही आते हैं, ठीक है ना। और हम वहाँ पर जाएंगे, कंप्यूटर वगैरह दोस्तों चलाएंगे, हम चारों बैठकर चलाएंगे गेम खेलने के बहाने, और सुबह सुबह वहाँ का कोई अभी स्टाफ वगैरह भी यहाँ पर जो है नहीं आया होगा, और वहाँ पर जाकर हम हर चीज़ को जो है एक्सेस वगैरह कर पाएंगे, और लोकेशन का भी अगर कोई पता चल गया कोई ज़्यादा बड़ा मामला वगैरह यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने बोला ठीक है दोस्तों कोई बात नहीं, अभी यार उधर ही चलते हैं। सबसे पहले यहाँ का खाना तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, फाइनली यार हम सब ने यहाँ पर खाना वगैरह खा लिया है, ठीक है ना। और दोस्तों एक और बात, मारिया का यहाँ पर ये कहना है कि जो इंडियन माफिया के साथ डीलिंग वगैरह करते हैं ना, एक वीड का बहुत बड़ा मतलब यहाँ पर एक आप कह सकते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर जिसको कहते हैं ना दोस्तों, उस टाइप का उसकी एक वेबसाइट भी है दोस्तों, ठीक है ना। तो मारिया को अचानक से याद आया कि उस बंदे की एक वेबसाइट भी है, क्योंकि इसका एक स्कूल का फ्रेंड है जो कि दोस्तों यहाँ पर ड्रगी वगैरह नहीं होते, वीडियो वगैरह होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वीड वगैरह करता था, तो उस लोकेशन से सॉरी उस वेबसाइट से वो जो है यहाँ पर वीड वगैरह दोस्तों मंगवाया करता था, ठीक है ना। तो इसको
उस वेबसाइट के बारे में पता है क्या है, ठीक है ना। तो हम एक बार उस वेबसाइट से भी पता करके देखेंगे, अगर कुछ यहाँ पर दोस्तों पता चल पाए तो ठीक है, नहीं पता चल पाए तो कोई बात नहीं दोस्तों। बट हमारे लेस्टर भाई ने जिसके साथ हमारे लेस्टर के साथ जिस भाई ने ऐसा करा उसको छोड़ेंगे नहीं, समझ लो आप। उसको मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो दोस्तों फिर निकलते हैं आज, और चलो सबसे पहले हम उस गेमिंग पार्लर में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर जाकर क्या है क्या नहीं, हमारा काम हो पाएगा या नहीं हो पाता है। थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे। यार तुम, यार मारिया कैसी बातें कर रही हो तुम, मतलब हम सारे जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना डालेंगे दोस्तों। यार अभी मारिया यहाँ का बिल भी पे कर रही थी, मैंने कहा नहीं नहीं बिल हम तुमको नहीं देने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना पैसा है हमारे पास। चलो भाई मारिया की कार के अंदर ही चलते हैं, और बैठो दोस्तों। चलो मारिया तो पीछे बैठेगी भाई, अब लेस्टर के साथ दोनों लव बर्ड्स पीछे बैठे हैं, क्या बात है। चलिए दोस्तों चलते हैं, मारिया ने कहा है कि फिलहाल पास में ही लोकेशन है वो गेमिंग पार्लर की, साइबर किसी चीज़ के नाम से, आई डोंट नो क्या नाम है, साइबर स्वीबर के नाम से है कुछ। चलते हैं देखते हैं भाई ऐसा कैसा स्टोर है वो, जहाँ पर ये पुलिस स्टेशन है भाई, इधर तो मारिया पुलिस स्टेशन है। एक काम करते हैं इस वाली गली से हो लेते हैं, अगर ये गली निकलती होगी तो, वैसे निकलनी तो चाहिए दोस्तों, निकलती है सामने पुलिस स्टेशन है दोस्तों, मैं पुलिस स्टेशन के सामने से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। निकल रही है निकल रही है निकल रही है, चल 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 चल, फाइनली साइबर बार के नाम से। ओके तो मैं इस गाड़ी को ना इधर सामने ही लगा देते हैं, आ जाओ। चलिए दोस्तों लॉस सैंटोस पुलिस वालों के सामने लेकर आइए भाई मारिया भी, कोई बात नहीं दोस्तों। यह है एक छोटा सा गेमिंग पार्लर, गेमिंग पार्लर ही बोलूँगा मैं यहाँ पर, बाहर भी तो उन लोगों ने कुछ रख रखा है भाई। ओ भाई साहब प्ले स्टेशन 5 भी इन लोगों के पास, PS5 भी रख रखा है, और कुछ गेम क्लब वगैरह भी है, गेमिंग निंटेंडो स्विच वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें रख रखी है। चलो कोई नहीं अंदर जाकर देखते हैं। अरे यार दोस्तों क्या कर रहे हो तुम, हाँ धक्का मारना ज़रूरी था, आ जाओ। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं है, नो खाली पड़ा हुआ है दोस्तों फ़िलहाल, यार यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी। ऑलराइट मुझे पता था भाई बच्चों की जगह है ये दोस्तों, तो यहाँ पर भाई बच्चा तो हो गई ना, बट लोकेशन काफ़ी गज़ब की है भाई साहब, कितने सारे गेमिंग पीसीज रखे हुए हैं यार यहाँ पर, बहुत सारे गेमिंग पीसीज वगैरह हैं बहुत सारे। ओ माय गॉड वो लोग पता नहीं यार बाहर क्या कर रहे हैं, और इधर क्या है, खुल भी जाता है, सही है। ओ तेरी यहाँ पर तो दोस्तों कुछ गेमिंग पीसी ऐसे ही पड़े हुए हैं यार, मतलब विदाउट एनी यूज़ ऐसे ही पड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये इनके सर्वर वगैरह चल रहे हैं, देख रहे हो कितना सा सर्वर है, और वहाँ पर देख रहे हो दोस्तों कितना बड़ा था, यहाँ पर भी लगता है एक दरवाज़ा है कोई, छोड़ो हमें क्या मतलब यहाँ पर, कभी भाई यहाँ का मालिक बोलने लग जाए कि सर तुम अंदर क्या करने गए थे ये वो, ठीक है ना, इससे अच्छा छोड़ो भाई हम सीधा अपने काम से मतलब रखते हैं, देखते हैं यार वो लोग कहाँ रहे। दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी बात पता चली है, अभी मैं आपको बताऊँगा। पहले यहाँ के शॉप के ओनर ने बोला है एक बार जाओ पहले जाकर नीचे देख करो नीचे क्या है। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिलहाल अभी लेस्टर वहाँ पर काम में लगा हुआ, मैं आकर बताता हूँ। अभी ड्राइवर खड़ा है इस शॉप के ओनर के साथ, शॉप पर अभी कोई स्टाफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, शॉप के ओनर ने बोला जाओ पहले नीचे देख कर आपको पूरी बात बताता हूँ। दोस्तों ये देखो एक सीक्रेट रूम है यहाँ पर, हमारी तो बहुत अच्छी खासी बातचीत हो गई क्योंकि सैंडी शॉर्ट्स का रहने वाला है ये बंदा, ट्रेवर का भाई साहब जानने वाला। ओ माई गॉड गाइस नीचे तो भाई साहब इन्होंने पूरा का पूरा क्लब बना रखा है, कितना ज़्यादा खतरनाक दोस्तों क्लब है, और यहाँ पर ये देखिए कितना बड़ा स्टेज है, देख रहे हो दोस्तों बहुत बड़ा क्लब बना रखा है और बहुत बड़ा स्टेज बना रखा है दोस्तों। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ऐसा काम भी होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, पूरी बात यहाँ पर हुई क्या, ठीक है। तो अभी हम ना इसके जो शॉप का ओनर है ना दोस्तों, हम इससे पूछे थे कि जो बच्चे वगैरह आते हैं तो आपकी कितनी कमाई वगैरह यहाँ पर हो जाती है इस पूरे के पूरे बिज़नेस के अंदर, तो उसने कहा है कि गेमिंग के अंदर तो यहाँ पर कोई भी कमाई वगैरह हमारी नहीं है, ठीक है, हमारी कमाई तो दूसरी तरीके से होती है। अब ट्रैवर भाई आपको तो पता ही है ना, तो ट्रैवर से जब वो बात करने लग गया तो मैंने बोला हाँ भैया बताओ ना, मतलब पूरी बात तो बताओ यार, हम कौन
से किसी को बता रहे हैं, उसने कहा वीड वगैरह हर चीज़ यहाँ पर चलती है, और नीचे ना जो बड़े बड़े बाप की औलादे हैं ना दोस्तों, लॉस सैंटोस के अंदर जितने भी अमीर ज़ादे हैं जो नशे वगैरह करते हैं दोस्तों, सबके सब यहाँ पर नीचे आते हैं पार्टी वगैरह करने के लिए, ठीक है ना। और भाई साहब यहाँ पर वीड वगैरह दोस्तों हर चीज़ चलती है, ठीक है, ताकि पुलिस वगैरह यहाँ पर कुछ ना कर पाए, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर नीचे एकदम सीक्रेट रूम बना रखा है दोस्तों, सीक्रेट हॉल बोल सकते हैं आप इसको दोस्तों। यहाँ पर इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड लोगों को बताया लॉस सैंटोस के अंदर। ये सारे के सारे दोस्तों पैसों वाले गेम है, जो कि अमीर बाप की औलादे आती है और यहाँ पर दोस्तों पूरा का पूरा पैसा उड़ाती है, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चला है, हमने फिर ये बोला कि जो आप वीड वगैरह लेते हो वो किससे लेते हो, उसने कहा कि सबसे बड़ा जो लॉस सैंटोस का डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम उसी से लेते हैं, ठीक है। तो उसकी शॉप भी दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पीछे ही है, ठीक है। तो कहने लग गया बस हम वहीं से लेते हैं, अगर आपको भी चाहिए तो आप ले लेना। फिलहाल मैंने ड्राइवर को बोला कि भाई ड्राइवर इसको ये बोल कि हमें भी चाहिए, अभी यहाँ पर एक बार अपना हमारा काम निकल जाए, उसके बाद हम सीधा उसकी शॉप पर ही जाने वाले हैं दोस्तों। और मुझे पक्का यकीन है ये इंडियन माफिया का ही बंदा है और वही डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि यहाँ पर इंडियन माफिया को अपना माल बेचता है 100%। मुझे तो भाई वही लग रहा है, क्योंकि लॉस सैंटोस में इससे बड़ा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है वीड का। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर होता क्या है। चलिए ऊपर चलता हूँ मैं, सबसे पहले ड्राइवर से बोल लूँगा कि भाई लोकेशन निकलवा। वैसे उसने बोला है ज़्यादा दूर नहीं है, ये पास में ही है, और एक बार मैं देख लेता हूँ भाई ये लेस्टर का भी यहाँ पर काम हो गया नहीं है। भाई इनकी तो अच्छी खासी बातचीत चल रही है। हाँ भाई ड्राइवर कर दे काम को, समझ गया। बाकी शॉप का ओनर है दोस्तों, बस ठीक ठाक ही बंदा है यार, मोटा सा है और क्या ही बोलूँ मैं इसको, बट इनने शॉप बड़ी बढ़िया बना रखी है दोस्तों। फिलहाल लेस्टर लगा हुआ है दोस्तों अपने पीसी के ऊपर, देख रहा है भाई यहाँ पर जो भी काम वगैरह के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो लगा हुआ होगा। नीचे देखो भाई कैसे कैसे गेमिंग पीसीज रखे हैं, अब तो भाई लेस्टर का मस्त काम हो रहा है। यहाँ पर मारियस को खड़ी हुई दोस्तों देख रही है कैसे यहाँ पर काम वगैरह कर रहा है। फिलहाल भाई लेस्टर की इसको बड़ी फिक्र है, लेस्टर की फिक्र में दोस्तों यार यहाँ पर खड़ी है। एक बार ना हम यहाँ का काम कंप्लीट कर लें, यहाँ का काम कंप्लीट होने के बाद ना ज़रा मैं इनसे बात करता हूँ और मैं पूछता भाई लोकेशन वगैरह कौन सी है। तो इतने ट्रैवर और सॉरी यहाँ पर मारिया और यहाँ पर जो लेस्टर है वो यहाँ का काम निपटाते हैं ना, और ट्रैवर और मैं हम सीधा यार वहीं पर चलते हैं, ठीक है ना। चलो हाँ भाई ट्रैवर मेरी बात सुनो भी यार, तुम बहुत अच्छे से, और सर आप भी सुनिए क्या हाल है आपके, एक बात तो बताइए यार। नहीं नहीं वो है ना आपकी शॉप के अंदर, वो ध्यान रखेंगे, आ जाइए आप। तो दोस्तों हम इसको बहला फुसला कर ले आए, हमने कहा हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर है और इसमें आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, चलिए हमें अपनी दोस्त की शॉप पर लेकर चलिए। उन्होंने कहा पिछली गली में है, मैंने कहा नहीं भाई आप हमारे साथ चलिए, आप जाओगे तो इसका दोस्त ही तो है दोस्तों, समझ रहे हो तुम। चलो चलिए सर चलते हैं। ओके तो ये बोल रहा है कि यहाँ से सिग्नल से लेफ्ट लेना है। अच्छा हो भाई एकदम ग्रीन सिग्नल भी हो गया। चलो भाई पुलिस स्टेशन बराबर, वो भाई पुलिस वाला खड़ा था, ये डिजिटल डैन है ना इसके बराबर में। अच्छा 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 मिल गया दोस्तों मिल गया। चलो सॉरी मारिया की गाड़ी पे छोटा सा स्क्रैच लग गया, मारिया मेरे को माफ़ करना प्लीज़, अभी तो है नहीं वो गाड़ी में। चलिए दोस्तों बढ़िया, मारिया की गाड़ी को उधर ही लगा देते हैं। लॉस सैंटोस ऑफिस सप्लाई CO. सेल 50%। बाहर वीड के बोर्ड वगैरह भी लगा रखे हैं, ये देख रहे हो। मेडिकल दोस्तों किस एंगल से तुम्हें मेडिकल लग रहा है। चलिए सर अंदर चलते हैं, ठीक है ना, आ जाओ। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं दुकान के, ये है लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर वीड का। तभी तो भाई इसकी दुकान ना यहाँ पर पुलिस वालों के सामने है, पुलिस वालों को भी हफ्ता वगैरह देता होगा, तभी तो पुलिस वाले भी दोस्तों उसको यहाँ पर कुछ नहीं कहते, वरना पुलिस वाले किसी को जीने भी ना दे, समझ रहे हो तुम। चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ दोस्तों। हम यहाँ पर आ गए हैं इस बंदे की शॉप के अंदर, एंड अभी ना यहाँ पर ट्रैवल ने बोला है कि कुछ सैंपल्स वगैरह दिखाओ, तो ये बंदा खुद ही अपनी अपनी यहाँ पर तारीफ कर रहा है और बोल रहा है कि भाई पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में भी यहाँ पर घूमोगे ना कोई मेरे जैसा माल नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो मतलब है तो दोस्तों देखो गलत चीज़ ही, बट यहाँ पर मैंने इससे पूछा कि भाई पुलिस वगैरह कुछ नहीं करती, कह रहा है पुलिस हमारी जेब में रहती है। भाई साहब इस बंदे के अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड है ना, मुझे इसके बात करने से ही पता चल गया है। और भाई ये भी लग रहा है कि हाँ भाई ये लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, नहीं भाई है, हो नहीं सकता, है भाई है।
क्योंकि अभी तक मुझे ये लग रहा था दोस्तों कि मतलब कि ये बंदा ना सिर्फ झूठ बोल रहा है, ये जो है कि कोई फेक रहा है, अपने दोस्त की तारीफ़ वगैरह कर रहा होगा ना। बट दोस्तों बाहर से ये दुकान बहुत छोटी लगती है दोस्तों, अंदर से बहुत बड़ी शॉप है। और वीड की कोई भी लॉस सैंटोस में दोस्तों ऐसी शॉप नहीं जिसके पास हर वैरायटी है। ये चेक करो आप सभी, इसने क्या क्या दोस्तों यहाँ पर जो है रख रखा है, सैम्पल्स वगैरह यहाँ पर जो है दिखा रहा है ट्रैवर को, और यहाँ पर इसको अपने दोस्त को, इसका दोस्त है, और भी यहाँ पर सामान वगैरह है। ओके और जब ट्रैवर ने ये बोला ना कि यहाँ पर आप ओरिजिनल दे रहे हो या नहीं, उसने कहा एक बार अंदर गोडाउन में जाकर देखो, तो भाई ट्रैवर तो यहीं पर खड़ा है। चलो मैं ही, सर मैं एक मिनट अंदर जाकर देख के आता हूँ, ठीक है ना। हाँ चलो दोस्तों देख कर आते हैं एक बार अंदर क्या रख रखा है इनने। यहाँ पर देखो दोस्तों, इसने यहाँ पर भी सारा का सारा सामान रख रखा है। चलिए अंदर चलते हैं। ऑलराइट गाइस, वाकई में दोस्तों इसके पास बहुत बेहतरीन क्वालिटी की है। ये देखो, मतलब आपने वहाँ पर पेड़ देखे होंगे, वो इतने ज़्यादा हरे भरे नहीं थे भाई जितने ये वाले हैं। और ये भाई कुछ अलग ही काम है यार, कितना ज़्यादा वीड रखा है दोस्तों इसके बंदे के पास, भाई मैं बता नहीं सकता आपको। यहाँ पर भी कुछ काम वगैरह है। ओके अंदर चलूँ क्या? खैर वो तो बाहर ही है, पता नहीं दोस्तों क्या क्या है यहाँ पर अंदर। पिंक लाइट क्यों जल रही है? कभी अंदर कोई हो इसके वर्कर्स वगैरह और वो बता दे कि बंदा अंदर आया था। खैर आराम से पहले खोल कर देखता हूँ कोई है क्या। देखो कोई लग तो नहीं रहा है मेरे को, कोई नहीं है कोई नहीं है, फिर भी हल्के लिए चलो। तो वेटिंग मीट है, भाई साहब इसने तो अंदर का ये रूम देखो यार दोस्तों किस टाइप का बना रखा है। यहाँ पर तो दोस्तों वीडी वीड उगा रखी है इस बंदे ने, मतलब हर चीज़ की सप्लाई वगैरह गाइस यार यहीं पर कर रहा है। गाइस ये जो बंदा भी है ना बहुत ख़तरनाक बंदा है बहुत ज़्यादा, और पक्का भाई ये सब गैंग वगैरह को, हर किसी गैंग को जानता होगा। छोड़ो निकलते हैं यार यहाँ से, वो तो अच्छा है यहाँ पर कैमरा वगैरह लगे हुए हैं। दरवाज़ा बंद कर देता हूँ कि मैं इस वाले रूम में गया नहीं था। बढ़िया यार सर, एकदम टॉप क्वालिटी का माल है आपके पास तो। मैंने पेड़ वगैरह देखे, बहुत अच्छे पेड़ वगैरह आपने यहाँ पर रख रखे हैं। अच्छा सर एक बात बताइए आप सभी, सॉरी सर आप जो शॉप के ओनर हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। यानी कि जैसे ये माल वगैरह है आपका, तो मतलब एक मेरा फ्रेंड है वो इंडिया में रहता है, तो वो कहता है कि इस वाले ब्रांड का मैंने ये वाला मतलब ये फ़ोटोज़ वगैरह आपके देखे हैं उस ब्रांड के ऊपर, क्या आप भी इंडिया में सप्लाई वगैरह करते हो? मेरा शक बिल्कुल सही निकला। सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलता हूँ। चलो बाहर तो आ गया मैं, वो दोनों अंदर खड़े, उनको अंदर रहने दो। दोस्तों जब मैंने उससे पूछा ना कि तुम ही यहाँ पर इंडिया में अपना माल सप्लाई वगैरह करते हो, तो एकदम ना इसके मुँह से निकले नहीं वहाँ तो किंग, एकदम इसने ये बोला नहीं वहाँ तो किंग, और ये बोलते एकदम चुप हो गया। इसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं एकदम समझ गया भाई, इसी का ड्राइवर भी एकदम समझ गया, वहाँ तो किंग, वो जो किंग नाम का जो बंदा है ना भाई, इंडियन माफिया हम उसको बोल रहे हैं, वो किंग नाम का जो बंदा है जो माइकल के सारे के सारे पैसे वगैरह निकाले गए थे, इन बंदों को जो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रहा था, वो किंग के नाम से ही है दोस्तों, वही बंदा है भाई साहब, वो वही बंदा है, इंडियन माफिया ही है। और ये पक्का दोस्तों यहाँ पर अपना माल इंडियन माफिया को दोस्तों यहाँ पर जो है बेचता है, इसकी तो ऐसी की तैसी। इससे निकलवाते हैं हम दोस्तों, यही बोलेगा ठीक है ना। चलो सबसे पहले तो हम यहाँ से निकलते हैं, मैं इन दोनों को बोलता हूँ चलो बस चलते हैं। इसको मैं बोलूँगा सर मैं आपको बाद में माल दे दूँगा ठीक है, और जब भी अपनी शॉप से यहाँ से दोस्तों निकलेगा ना, इसको हम यहीं पर धर दबोचेंगे इसको, इसकी ऐसी की तैसी। चलो आ जाओ। चलो दोस्तों अभी बहुत हो गया, अब चलो चलते हैं यार, वहाँ पर लेस्टर वगैरह भी हमारा इंतज़ार कर रहे होगा। चल भाई ड्राइवर, चलो भैया, चलो सर हम आपसे मिलते हैं ठीक है, और जैसे भी कुछ होगा ऑर्डर के बारे में मैं आपको बता दूँगा ठीक है सर। चल भाई आ जाओ लेस्टर, चलो जल्दी। ऑलराइट गाइस, चलिए यहाँ से निकलते हैं, फाइनली हमारा काम भी हो गया और मैं इस वाली गली से जाने वाला हूँ। दोस्तों मैंने सारी की सारी बात लेस्टर को बताई, लेस्टर ने कहा है हाँ ये वही बंदा होगा, सबसे बड़ा डीलर है लॉस सैंटोस का। और जब मैंने इसको ये बात बताई ना कि वो किंग बोलते ऐसे चुप हो गया था, लेस्टर भी समझ गया हाँ भाई वही बंदा है। एक बार मैं लेस्टर को दोस्तों उसकी यहाँ पर शॉप दिखा देता हूँ, मारिया को भी दिखा देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर लेस्टर को कोड्स की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, हमारे पास दो लोकेशंस आई हैं, अब दोस्तों उन लोकेशंस पर जाते हैं और उनकी पुंगी बजाते हैं ठीक है। फिलहाल ये देखो, देख भाई लेस्टर ये वाली शॉप है, इसकी तो हम ऐसी तैसी करेंगे, यहाँ पर हम शाम को आएंगे। चलो ऑलराइट, सॉरी 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 मारिया, सॉरी मैं तेरी गाड़ी ठीक करवा दूंगा, आई एम सॉरी।
यार भाई मारिया दोस्तों, यहाँ पर गुस्सा हो जाएगी अगर इसकी गाड़ी को यार मैंने यहाँ पर इसको ठीक करवा के ना दिया। भाई साहब लड़कियाँ भाई अपनी गाड़ियों से, अपने मेकअप के सामान से दोस्तों इन सब चीज़ों से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो हमें इसकी गाड़ी को दोस्तों यहाँ पर ठीक करवा के देना ही पड़ेगा, वरना मारिया ना कसम से बता रहा हूँ भाई बहुत पेलेगी। तो चलो यार फिलहाल हम मारिया के घर पर इसकी गाड़ी खड़ी करते हैं। चलिए फाइनली चलो मारिया, ठीक है, और हम तुमसे मिलते हैं, शाम को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमें लोकेशंस वगैरह मिली है ना वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर जाकर देख कर आते हैं क्या वहाँ पर इंडियन माफिया कुछ सामान वगैरह तो उन रखा है, फिर जो भी है, ठीक है ना। चलो हम तुमसे मिलते हैं, चलिए दोस्तों चलते हैं। मारिया की गाड़ी मैंने यहाँ पर छोड़ दी, अब कोई गाड़ी चोरी करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि मारिया की गाड़ी में जा सकते हैं, वरना एकदम पता चल जाएगा दोस्तों यहाँ पर किसी गाड़ी ना चोरी तो करेंगे ही। चलो आ जाओ दोस्तों थोड़ी और दूर, चलो मिल जाएगी कोई गाड़ी। हाँ वैसे लेस्टर दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेस्टर कह रहा है कि इस टाइम ना लॉस सैंटोस की पुलिस ना हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रही है, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी हर वेबसाइट पर, हर न्यूज़ चैनल पर हमारी खबर है कि हम वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे। ये जो हमने कल कांड किया है ना, आपको पता होगा इंडियन माफिया की वो जो गाड़ियाँ वगैरह थी, जो ऑक्शन वगैरह उसने करवा रखा था, असल में बात ये थी सुबह को ना दोस्तों ऑक्शन होने वाला था, ठीक है, और हमें तो भाई इस बारे में पता नहीं था, मुझे लगा कि उसने बेचने के लिए खड़ी कर रखी क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी अलग तरीके से। तो भाई बता रहे हैं कि तीन गुंडों ने आकर सबके सब यहाँ पर गार्ड्स को मार दिया, और यहाँ पर इंडियन किंग की जो गाड़ियाँ वगैरह थी जो ऑक्शन में आने वाले थे, उनकी सारी की सारी गाड़ियाँ डिस्ट्रॉय कर दी हैं। अब सारी की सारी मीटिंग वगैरह कैंसिल हो गई है, पूरी की पूरी पुलिस उनको ढूंढने में यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी कोशिश में लगी हुई है पर हमारे एक चेहरे साफ नहीं आ पाए उसके अंदर, बट ये था कि तीन बंदे हैं और जिस गाड़ी के नंबर अंदर आए थे ना उस गाड़ी का नंबर चला गया है। अब उस गाड़ी का नंबर अगर चला गया होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, वो तो उस बंदे की गाड़ी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कहीं वो बंदा बता ना दे, क्या बताएगा भी नहीं, मुझे इतना भरोसा है उसके ऊपर वो दोस्तों नहीं बताएगा यार गाइस मतलब मुझे ये नहीं पता था कि ऑक्शन होने वाला है भाई, ऑक्शन होने वाला तो और मज़ा आता है यार उन गाड़ियों को तोड़ने में। चलो यार अभी किसी की गाड़ी ऐसे गन दिखा के तो चोरी कर नहीं सकते हैं, किसी पार्किंग में से उठानी पड़ेगी। आ जाओ दोस्तों यार जल्दी आ जाओ यार, तुम्हारे पैरों में मेहंदी वेंदी लग गई है क्या, चलो जल्दी से, कोई नहीं देख रहा है यार, आ जाओ। चलो चलिए दोस्तों यार इस वाली गाड़ी को चोरी करते हैं, बैठो लेस्टर भाई तू पीछे बैठ। चलिए दोस्तों बढ़िया, हमें जाना है यहाँ पीछे, एक इलाका है उधर की लोकेशन बता रहा है वो, देखते हैं भाई जाकर वहाँ पर है क्या क्या नहीं है, वो तो उधर ही जाकर पता चले। ओ भाई कहाँ आ रहे हो आराम से, वो तो उधर ही जाकर दोस्तों पता चलेगा ना। चलो अब आराम से जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। यहाँ पर दोस्तों लेस्टर का घर हुआ करता था, भाई बेचारा लेस्टर भी यार ये सोच रहा होगा कि इनके चक्करों में यार मेरा पूरा का पूरा घर चला गया भाई इंडियन माफिया के चक्कर में हुआ है दोस्तों जो भी हुआ है, इसने आते ही ना भाई सबकी ज़िंदगी का जीना भी ना भाई सब कुछ ऐसा कर दिया। चलते हैं उस लोकेशन पर देखते हैं जाकर दोस्तों है क्या क्या नहीं है, होगा अब क्या नहीं होता। चलो गाड़ी वाले आराम से गाड़ी चला ले, चलो जल्दी से। फाइनली यार हम उस लोकेशन पर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और ये जो लोकेशन है दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पर सैंडी शॉर्ट्स के अंदर ना एक पुराना यार्ड है जहाँ पर कबाड़ी वाली चीज़ें वगैरह मिलती है, उस जगह की लोकेशन आ रही है। और जैसे कि एक गोडाउन टाइप नहीं आता, उस टाइप का कोड बना हुआ था, आइकन होता है ना उस टाइप का आइकन बना हुआ था उस लैंग्वेज और कोडिंग के अंदर, ठीक है ना। तो देखते हैं यार चल के यहाँ पर है क्या ऐसा, मतलब इंडियन माफिया का क्या कनेक्शन है दोस्तों यहाँ पर कबाड़ी वाली इस दुकान से, मतलब ये कबाड़ी वाला इलाका ही है। और ओ माय गॉड यहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा है, बस ये हमें ना देख ले। चलो 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 इस गाड़ी के बराबर बराबर मेरे को निकालो 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 निकाल ली फाइनली। चलो ऑल राइट दोस्तों, तो ये वाली लोकेशन है वो, ओके ऑलराइट। ये तो मुझे मिलिट्री लग रही है, मिलिट्री का यहाँ पर क्या काम,
गाइस ये रिसाइकल सेंटर है एंड दोस्तों यहाँ पर स्टील एल्यूमिनियम एंड कॉपर ठीक है वही जो यहाँ पर बेस्ट प्राइस आपको मिलता था ठीक है ना दोस्तों। बट यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, रिसाइकल सेंटर का जो मेन दरवाजा है ना वो देखो वहाँ पर ब्लू कलर के वो टीन वगैरह लगा दिए गए और इधर से भी सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए दोस्तों जो मेन दरवाजे थे और यहाँ पर एक बेस बना दिया है मिलिट्री वाला। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, जो मिलिट्री है उसका यहाँ पर क्या काम है मिलिट्री का, मिलिट्री के लिए तो मिलिट्री बेस बना हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर मिलिट्री क्या कर रही है मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है यार। कोई पक्का बहुत बड़ा झोल है इसके पीछे। रुक जाओ मैं ना अपनी गाड़ी को पहले आगे लेकर चलता हूँ, अगर गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई ना तो शायद से इनको शक वगैरह ना हो जाए। कार को ना यहाँ पार्किंग है वो, अच्छा हो गया चलो यहाँ पर गाड़ी को पार्किंग में लगा देते हैं। जाओ यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर तो नेशनल पार्क है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ पर तो नेशनल पार्क है, पीछे पहाड़ के पीछे जाके देखते हैं एक बार क्या सीन है यार दोस्तों यहाँ पर। आराम से बढ़िया, बस इतना ही हुआ है, ज़्यादा वो नहीं करता भाई। दोस्तों ये तो मिलिट्री है। ऑलराइट गाइस क्या आप देख पा रहे हैं, अगर ये मिलिट्री है ना दोस्तों, अगर ये मिलिट्री है, जी हाँ अगर ये मिलिट्री है तो यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह होती है ऐसा कुछ होता। ऊपर वहाँ देखो पीछे एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा है, टैंक भी है पीछे, इधर भी सिक्योरिटी है खतरनाक वाली, और अंदर ना देखो भाई कंप्यूटर वगैरह चल रहे दोस्तों। मिलिट्री का कंप्यूटर से क्या कनेक्शन। ओ भाई साहब अंदर ना बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह भी रखे हैं। अब मुझे ये नहीं पता भाई ये बॉक्सेस हैं किस चीज़ के, वो तो जब मैं अंदर जाऊंगा ना तभी पता चलेगा दोस्तों ये बॉक्सेस किस चीज़ के हैं और मतलब पूरा का पूरा माजरा यहाँ पर क्या है ठीक है ना। ओके बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर, मिलिट्री है सामने तो मिलिट्री है, और इधर उधर क्या है, इधर कुछ नहीं है। ओके हाँ इसके अंदर भी लोग घुसे हुए हैं, आप देख पा रहे हो सामने जो प्लेन है ना, प्लेन का जो दरवाजा टाइप है उसके अंदर भी हैं लोग। यहाँ पर कर क्या रहे हैं यार, इंडियन माफिया क्या कनेक्शन है यहाँ पर। थोड़ा क्लोज जाना पड़ेगा ऐसे पता नहीं चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। आ जाओ दोस्तों हमें थोड़ा क्लोज तो जाना ही पड़ेगा, थोड़ा क्लोज जाना पड़ेगा। वैसे दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, हम यहाँ पर एक चीज़ भी कर सकते हैं लेस्टर। अब बात ये भी है कि ट्रेवर को और फ्रैंकलिन को तो हर कोई जानता है बट तुझे कोई नहीं जानता, तुझे बहुत मिनिमम लोग जानते हैं और मेक श्योर के ये वाले लोग तुझे यहाँ पर नहीं जानते होंगे। तू एक काम कर, तू जा और वहाँ पर जाकर बोल कि तू रिसाइकल सेंटर आया है और तुझे यहाँ पर स्टील परचेज करना है, या फिर ये बोल देना स्टील तुझे यहाँ पर जो है बेचना है, अपना घर पर तेरा पड़ा है पुराना कबाड़ वगैरह तो बेचना है। तो अगर रिसाइकल सेंटर ओपन हुआ तो अंदर चला जाना, अगर ना ओपन हुआ तो वहाँ पर कुछ भी जो रीज़न वगैरह होगा वो बता देंगे। एक ये काम हम देख कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। इतने ड्राइवर और मैं यहीं पर रुकते हैं, तू जा फटाफट मुआयना करके आ वहाँ का ठीक है दोस्तों। हम दोनों यहाँ पर खड़े हैं और लेस्टर जा रहा है वहाँ का मुआयना करने के लिए, देखता है दोस्तों वहाँ पर होगा क्या। चलिए आराम आराम से भाई साहब, लेस्टर की बेचारी की टांगों में भी दोस्तों यहाँ पर जो है पता नहीं क्या हो रखा है, इससे चला भी नहीं जा रहा। लेस्टर मेरी बात सुन लेना, थोड़ा आराम आराम से चलिए मेरे भाई यहाँ पर, ताकि इन्हें शक ना हो कि तू भागता हुआ आ रहा है। आराम से चला, आराम से चल, आराम से चला। बेचारे दोस्तों लेस्टर से चला भी नहीं जा रहा, वैसे भी ये लोग तो इसको नॉर्मल बंदा ही समझेंगे, कोई इसको इतना कोई माइंडेड वगैरह नहीं समझने वाला। अंदर से गाना बजने की आवाज़ें आ रही हैं दोस्तों, जैसे कि पार्टी वगैरह हो रही हो कोई। चलते हैं देखते हैं, ये भाई मिलिट्री वाले बंदे कुछ अलग नहीं लग रहे। इधर तो कैमरा लगा हुआ है, कैमरा 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 कैमरा, चल चल अब तो चल, अब क्या ही वो करना, कैमरा तो देख लिया। एक्सक्यूज़ मी सर, मुझे अपना सामान जो है
रिसाइकल कराना है सर, मेरे पास स्टील वगैरह है, परचेज हो जाएंगी क्या, आप खरीद लोगे सर? भैया माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए भैया, आज के बाद मैं आपको यहाँ पर कभी भटकता हुआ भी नहीं मिलूँगा। सॉरी भैया, सॉरी भैया, सॉरी भैया। ये क्या कर रहे हैं, दारू वारू पी रहे हैं? चलो सबसे पहले निकलता हूँ यहाँ से। भाई साहब, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। चलो जल्दी चलता हूँ। भाई साहब खतरनाक सीन हो गया दोस्तों, खतरनाक वाला। अरे हाँ लेस्टर, मुझे सब कुछ पता था और मुझे पता था यही होगा दोस्तों। आपने वहाँ पर देखा होगा जब लेस्टर गया था, कौन से मिलिट्री के जवान ऐसे होते हैं जो कि फ्रंट गेट पर खड़े होके, ना जो कि फ्रंट गेट है वहाँ पर खड़े होके, जो कैबिन से बने हो वहाँ पर दारू पी रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और अंदर से गाने बजने की आवाज़ें आ रही हैं और दोस्तों वहाँ पर वीड ही वीड की खुशबू है, समझ गए? वहाँ पर वीड ही वीड की खुशबू है, धुआं ही धुआं है। और वो बंदा बताओ एलेस्ट्रो को क्या बोला, एलेस्ट्रो ने बोला भाई ये खरीद वीड लोगे, कह रहा पहले तो मेरे साथ अंदर को चल। अंदर को लेकर गया और इसको धमकी ऐसी थी कि आज के बाद यहाँ पर दिख भी मत जाना और किसी को बोल भी मत देना कि यहाँ पर रिसाइकल होता है सामान, ठीक है, आज के बाद यहाँ पर आ भी मत जाना गलती से भी। भाई साहब इतनी बड़ी धमकी लेस्टर को दोस्तों यहाँ पर दे दी, वो पक्का यहाँ पर इंडियन माफिया के आदमी है दोस्तों ये, और यहाँ पर कोई ये मिलिट्री विलिट्री बेस नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ना ये वीड का ही काम हो रहा है और मिलिट्री की आड़ में, ताकि जो लोकल्स हैं उनको यही लगे कि मिलिट्री का काम हो रहा है ये, और पुलिस को तो भाई देखो इनके बारे में हर चीज़ पता ही है। पुलिस भी क्या ही कर लेगी, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है दोस्तों। और अंदर भी वीड वगैरह का काम हो रहा है। एक काम करते हैं दोस्तों, हमने ज़रा इधर को चलते हैं एक बार, ज़रा कन्फर्म कर लेते हैं, अभी भी मुझे थोड़ा सा तो शक है। आ जाओ, चलो 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 चलो, वो दोनों तो आ रहे हैं दोस्तों, आराम आराम से, पहले मैं चलता हूँ। इन्होंने हर जगह से बंद कर रखा है, हर जगह से इन्होंने रास्ते बंद कर रखे हैं। गाने बजने की आवाज़ तो दोस्तों मुझे भी आ रही है, पता नहीं किस किस चीज़ की तो आवाज़ें आ रही हैं यहाँ से। मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ क्या आराम से? कोई है तो नहीं ना यहाँ पर? बहुत आराम आराम से। वो बंदा उधर देख रहा है, इधर मत देखना। ओ माय गॉड दोस्तों, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर वीड का काम हो रहा है और ये 100% दोस्तों ये इंडियन माफिया के बंदे हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर कितने ज़्यादा वीड के कंटेनर्स रखे हुए हैं, देख रहे हो, मेरे ख्याल से यहाँ पर माल लोड हो रहा है इनका इस ट्रक के अंदर, और मिलिट्री के ट्रक में इनका माल वगैरह दोस्तों जाता भी है। मुझे तो ये लगा था कि ये गलत सीन है, बहुत गलत सीन है। सबसे पहले निकलता हूँ। वो दोनों किधर गए? अबे ट्रेवर और वो लेस्टर कहाँ चले गए दोस्तों? अब वो जहाँ भी गए हो मैं ये होने नहीं दे सकता, वो जहाँ भी गए हो इधर उधर जा रहे हैं। ट्रेवर अपनी पे उतर आओ, आ जाओ, देखी जाएगी अब जो होगा। चलो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो, तुम मिलिट्री के नाम पर हमारे देश की आर्मी का भी नाम तुम खराब कर रहे हो, हट तेरी ऐसी की तैसी, हट तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई यार ये अंदर कितने सारे बंदे हैं दोस्तों, देख रहे हो क्या कर रहे हैं? ओ तेरी, ओ भाई हट तुम्हारी ऐसी की तैसी। ओ भाई शिट 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 शिट, हट तुम्हारी ऐसी की तैसी। और भी बंदे हैं क्या? कुतरी, अबे ये कहाँ से आया नमूना? एक तेरे पीछे भी नमूना था यार। चलिए दोस्तों और भी हैं क्या? भाई साहब कितने सारे नमूने हैं यार,
और भी हैं, और भी हैं, और भी हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा बच के थोड़ा बच के। ये हेलीकॉप्टर फूटना चाहिए उनका सर, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो भाई साहब गए 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 गए, ये जाना चाहिए उनका ट्रक। ओके ये जाएगा इनका ट्रक, अंदर भी हैं दोस्तों मेरे ख्याल से लोग, अंदर भी बहुत सारे लोग हैं यार। देखो मिलिट्री कितने सारे कंटेनर्स बना रखे भाई। और किधर है इनका आधे से ज़्यादा माल जल चुका है। और किधर है लेस्टर, तो छुप गया होगा दोस्तों क्योंकि लड़ने लायक तो है नहीं भाई। और भी है क्या, अबे अंदर भी तो थी ना इसके। गया 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 गया। और किधर है, अभी भी गोलियों की ना भाई रुक नहीं रहे बंदे, इनकी ऐसी की तैसी। किधर है ऐसी की तैसी, लग रहा है भाई साहब इस पीछे पीछे की तरफ भी हैं। अब ये जाएंगे इस वाली गन से, है क्या कोई और मार रहा है कहीं से गोली, दिख नहीं रहा पर मेरा यार, दिखा 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 दिखा। चल तुम्हारी ऐसी की तैसी। और भी है क्या दोस्तों, पुत्री अबे इनको तो मार दे यार। ट्रेवर तुझे बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, यो यो मुन्ना कर देंगे ताता तुन्ना। और भी है क्या, वीड में तो पूरे में आग लग गई, पूरे में आग लग गई दोस्तों वीड में तो। और भी है, एक भी बंदा नहीं छोड़ना है। ओके मेरे पास एलियन गन भी है एक, जो कि खतरनाक वाली है, ये चेक करो आप। और भी हैं क्या बंदे, वैसे दिख तो रहा नहीं दोस्तों मुझे यहाँ पर कोई, वो हैं। चल तुम्हारी ऐसी की तैसी, आवाज़ें तो आ रही हैं दोस्तों मुझे, अंदर भी है मेरे ख्याल से कोई। ओ भाई कि पीसीज वगैरह देखो इनके, बाइक्स वगैरह गाड़ियां वगैरह, कितनी स्पेशल बाइक्स और कार्स रख रखी इन लोगों ने। इधर कोई है क्या, इधर कोई नहीं है भाई, ये मिलिट्री नहीं है, मिलिट्री के नाम पर भाई पागल बनाया जा रहा है। इधर भी है क्या कोई, इधर से आवाज आ रही है। अच्छा हट तेरी ऐसी की तैसी, चल तेरी ऐसी की तैसी। और भी है क्या, देख रहे हो कैसे कट्टे वगैरह बना रखे थे इन लोगों ने, ये देखो भाई साहब इनके पास हमारे वाली गन भी थी। अब मुझे नहीं लगता दोस्तों यहाँ पर कोई है क्या, और भी कोई है क्या इस रूम में तो नहीं है दोस्तों, एक और बंदा है वो कहीं से चिल्ला रहा है मुझे दिख नहीं। अच्छा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। हाँ बोल बोल, और उतरी ये खड़ा अंदर है, अंदर इसकी ऐसी की तैसी, अंदर है और अंदर से ही बोल रहा भाई साहब। अभी मैं अंदर से आया था, मुझे बंदा दिखा नहीं बिल्कुल भी, अंदर भी है इनका। अच्छा तुझे तो मैं ऐसे ही नमटाऊंगा, हमारे देश के जवानों का तुमने, तेरी ऐसी की तैसी होए। कहाँ गया वो चप्पड़ कुल्हाड़ी वाला, हट तेरी ऐसी की तैसी। अब नहीं उठ पाएगा ये, अब तो मौत के घाट सो जा मेरे बेटे प्यार से। ऑलराइट गाइस, यार कितनी ज़्यादा मतलब इंडियन माफिया यार यहाँ पर क्या क्या कर रहा है, देख रहे हो तुम दोस्तों इंडियन माफिया दोस्तों यहाँ पर क्या क्या कर रहा है।
गौर, ये चीज चेक करो आप, ये देखो। ओह माय गॉड, कितना सारा सामान वगैरह है दोस्तों। ओह तेरी, सबसे पहले इस वाले पीसी में तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं होने वाला। चलिए बाहर की ओर चलते हैं। जो जो मुझे इनका उल्टा सीधा सामान दिख रहा है, सबसे पहले इनमें देखना है सामान के अंदर दोस्तों है क्या। कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। किसी से पता चल जाएगा दोस्तों, मैं किसी चीज़ को छूने नहीं वाला। ऑलराइट, इसकी बाइक वगैरह दोस्तों, ये कार्स देखिए कितनी स्पेशल कार्स हैं, और यहाँ पर भीड़ देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा भीड़ है। ऑलराइट, सबसे पहले मुझे इनकी गाड़ियों को ब्लास्ट करना होगा। चलिए दोस्तों, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अब भी तो है ना मजा दोस्तों। अब दोस्तों ये जो वीड है ना भाई साहब, अभी उड़ने वाली है दोस्तों वीड। अब देखो इनकी ऐसी की तैसी, हट तुम्हारी ऐसी की तैसी, हट तुम्हारी ऐसी की तैसी, हट तुम्हारी है इसकी तैसी। दोस्तों जो वीड पे इन्होंने बहुत बड़ा कारोबार कर रखा है ना, ये तो भाई साहब ऐसे ही जलेगा। भाई छोड़ूंगा नहीं वैसे दोस्तों मैं यहाँ पर किसी को भी, ये जितने भी लोग हैं ना, और जिन लोगों ने दोस्तों ये सारे के सारे कारनामे वगैरह करे हैं, मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ दोस्तों यहाँ पर किसी को भी। चलो यार ये तो सब कुछ हो गया, अब यहाँ पर दोस्तों इधर भी मैंने सब कुछ ब्लास्ट कर दिया, अब इधर चलता हूँ। एक गाड़ी इनकी इधर खड़ी है, ब्लास्ट। इधर इनका टैंक खड़ा है तेरी। यार यहाँ से तो वापस आ रही है। ऑलराइट, अब जाएगा टैंक। भाई साहब टैंक के ऊपर कितनी ज्यादा ये लगती हैं। टैंक तो भाई ब्लास्ट होने का पर नाम ले रहा है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, हट तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये चेक करो दोस्तों, हट तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई साहब इंडियन माफी बोलेगा ना किससे पंगा ले लिया था। पूरे के पूरे इस इलाके को है ना, इनका जो पूरा का पूरा दोस्तों इलाका था, पूरे को तहस नहस कर दिया मैंने। पूरे के पूरे इलाके को दोस्तों तहस नहस कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया दोस्तों, सब कुछ। वैसे लेस्टर तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, जल्दी से निकाल ले सब कुछ। तो दोस्तों यार यहाँ पर लेस्टर ना दोस्तों, इनके पीसी के अंदर से जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल सकती है दोस्तों, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है इनका। जो यहाँ पर एक ही मेन पीसी था ये वाला सबसे बड़ा, तो इसको मॉनिटर लेस्टर यहाँ पर ऊपर करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने फ़ोन के अंदर दोस्तों यहां पर जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है, और अपने फोन के ऊपर से जो लेस्टर का क्लाउड अकाउंट है ना वहां पर दोस्तों अपलोड कर रहा है। हम आराम से बैठकर दोस्तों यहां पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को देखेंगे कि हमें यहां पर क्या क्या मिला है। फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है, तो हम जल्दी से यार यहां से जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेकर इस पूरी जगह को दोस्तों और अच्छे से ब्लास्ट करके जो है निकलने वाले हैं। तो चलो दोस्तों फिलहाल लेस्टर और यहां पर तो ये कर रहा है ठीक है ना, और दोस्तों यहां पर ट्रैवल इधर उधर जो है लगा हुआ है भी ठीक है ना। चलो हमने पीछे की भी ये दोस्तों यहाँ पर दीवारें वगैरह देख रहे हो कैसे कर दी इनकी ऐसी की तैसी। भाई साहब अब तो मैं इनको ब्लास्ट करके ही छोड़ूंगा। चलो अब देखना, अब देखता हूँ दोस्तों कितने यहाँ पर वो लेते हैं। हुआ ना ब्लास्ट। ओ तेरी, यहाँ पर कौन गोली मार रहा है तेरी ऐसी की तैसी। ओके और भी कोई है क्या, वैसे दिख तो नहीं रहा है मेरे को बोर कोई। यार इनके ये टैंक कितने ज्यादा पावरफुल है दोस्तों,
ये तो दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पर ब्लास्ट होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं दोस्तों। ये वाले टैंक तो बिल्कुल भी यहाँ पर ब्लास्ट होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे हैं यार। कसम से बता रहा हूँ यार, कितने ज़्यादा पावरफुल हैं दोस्तों ये वाले टैंक्स। भाई ये भाई यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर ब्लास्ट होने का नाम नहीं। ओ तेरी हो गया, नाइस बढ़िया। इसको भी मैं करके ही मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये वाला टैंक दोस्तों ब्लास्ट नहीं हो रहा यार, तेरी ऐसी की तैसी। कब तक ब्लास्ट नहीं होगा, कब तक ब्लास्ट नहीं होगा, कब तक ब्लास्ट नहीं होगा। मैं भी ब्लास्ट करके ही छोड़ूंगा। वो वाला तो हो गया, लगता है इसके ऊपर एक अलग तरीके का प्रोटेक्शन है दोस्तों। ये वाला तो ब्लास्ट होने का बिल्कुल भी यहाँ पर नाम नहीं लाया है। रुक जाओ अब देखते हैं, अब हो सकता है क्योंकि इसके पीछे से काला धुआं निकलने लग गया। चल 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 भाई साहब, इसके ऊपर ब्लास्टिंग का कोई वो नहीं है। वो वैसे आग लग गई दोस्तों, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई इसकी ऐसी तैसी। हो गया भाई साहब, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि हम ना कर पाएँ, समझ गए। देख रहे हो, कर दिया ना ब्लास्ट। बाकी इनका पूरा बेस गाइस मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अब इनके पास कोई व्हीकल नहीं बचा है, मेरे हिसाब से तो कोई भी व्हीकल नहीं बचा है। क्यों ड्राइवर, तूने चारों तरफ देख लिया ना, कुछ बचा तो नहीं है ना? चारों तरफ दोस्तों हमने यहाँ पर नज़रें घुमा ली हैं, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। चलो दोस्तों लेस्टर को बोलता हूँ, चल मेरे भाई लेस्टर जल्दी से यार सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले ले, आई होप कि तूने ले लिया। चल जल्दी से हम यहाँ से जो अरे नहीं नहीं लेस्टर, अभी इतना भी खुश मत हो, अभी विजय प्राप्त नहीं हुई है ठीक है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तूने ले ली ना, अब तू यहीं पर रुक, मजे से खड़ा हो, मैं दो मिनट में आया और इनकी ऐसी तैसी करके आता हूँ। अब होगी दोस्तों असली तरीके से इनकी आने से ऐसी तैसी। जो सिक्योरिटी कैमराज इन्होंने लगवा रखे हैं ना, हट तुम्हारी ऐसी की तैसी। यहाँ पर भी दोस्तों बंदे थे, गए। ऑलराइट अब चलेंगे दोस्तों अंदर, जो इनकी स्पोर्ट्स कार्स खड़ी है ना। भीड़ तो हमने सारी की सारी दोस्तों जला दी है, अब देखना जलवा। बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं ना, क्या बात है। सेटअप बहुत महंगा सेटअप था, ड्राइवर साइड हो जा। ऑलराइट मेरे हिसाब से मैंने पूरे कारखाने को आग लगा दी दोस्तों। इसके अंदर देखते हैं क्या है। ऑलराइट वहाँ पर ना कुछ सामान वगैरह रख रखा था इन्होंने। ख़त्म 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 ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म है। चल ड्राइवर अब जल्दी से हमें यहाँ से जो है निकलना है, इससे पहले कि अब कुछ भी हो दोस्तों, फटाफट अब जल्दी से इस लोकेशन से जो है निकलते हैं। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। चल भाई लेस्टर अब अपने पास वक्त नहीं है मेरा भाई, जल्दी आ जल्दी। राइट गाइस फाइनली में गाड़ी मिल गई, जो हमारे वाली गाड़ी थी वो तो दोस्तों यहाँ पर ब्लास्ट हो गई क्योंकि इम्पैक्ट बहुत दूर तक आया था ठीक है ना, और हमें एक गाड़ी मिल गई है। चलो यार जल्दी से हम यहाँ से जो है निकलते हैं दोस्तों, अब जाएंगे हम किसी सेफ लोकेशन पर ठीक है ना। और अब हमारे पास दोस्तों इंडियन माफिया की बहुत सारी जानकारी आ गई है ठीक है ना। अब वो कौन कौन सी जानकारी है, उसके अंदर यहाँ पर दोस्तों क्या क्या है, ये सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाला है। और नेक्स्ट एपिसोड में ना दोस्तों उसको भी किडनैप किया जाएगा, वो जो यहाँ पर वीड डीलर था ना, जो कि हमें लॉस सैंटोस में मिला था, मारिया से उसका पता निकलवा के, उसके घर का पता निकलवा के उसकी भी ऐसी तैसी करनी है। फिलहाल हम जा रहे हैं अभी किसी सेफ लोकेशन पर, और क्या इंडियन माफिया अब हमारे हाथों से दोस्तों बर्बाद होने वाला है, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम जा रहे हैं किसी सेफ लोकेशन पर। हैव अ सेफ राइड।